हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सच में ही आप लोग बड़े अच्छे हैं और सबसे खुशी की बात तो यह है कि कथा शुरू होने से पहले ही इतने लोग आ जाते हैं। क्या बात है आप लोगों की, औरों के लिए भी प्रेरणा है। ऐसे हाथ उठाइए, दरअसल प्रेम से कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जाने की सदा करे कल्याण। आपने कल कथा को सुना कि ये भागवत की कथा प्रेत का भी बेड़ा पार कर देती है। प्रेत पकड़ लो इसको, इसकी मैया कहाँ है, कहाँ है इसकी यशोदा माँ, नंद बाबा कहाँ है इसके, नंद बाबा यहीं बैठ जाओ, ये तंग करते ही रहेंगे, इन्हें तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो बच्चे हैं। हाँ, नंद बाबा यशोदा या दादी माँ तो नीचे खेलता रहे, कोई बात नहीं, ऊपर ना आए बस, नीचे तो खेलने दो इसको। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जोर से कहो सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल आपने कथा को सुना कि कैसे धुंधुकारी जैसा प्रेत भी कथा को सुन करके मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान जी के दिव्य धाम को चला। भागवत जी के लिए बड़ा सुंदर श्लोक कहा गया कि धन्या भागवती या प्रेत पीड़ा विनाशी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। अरे धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी नाश कर देती है और जीवन का वो सप्ताह भी धन्य है जिस सप्ताह में भागवत जी की कथा सुनने को मिल जाती है। तो आपकी जिंदगी में कितने सप्ताह चले गए होंगे आपके, हाँ महीने में 4 सप्ताह चले जाते हैं, साल में लगभग 47-48 सप्ताह चले जाते हैं, ना जाने कितनी उम्र बीत गई लेकिन 7 दिन भगवान जी की कथा ना सुनी। भागवत में लिखा है कि वो सप्ताह धन्य होता है जिस सप्ताह में भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। और ये भागवती वार्ता है, वार्ता मैंने बातचीत, वार्ता मैंने, अब हम ये आप लोग आपके साथ बातचीत ही तो कर रहे हैं, ये बातें ही तो हो रही हैं,
इन बातों को करने से प्रेत भी मुक्त हो जाता है। अगर ये बातें घर में करनी शुरू कर दें, घर में भजन करना शुरू कर दें, तो घर के भी सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और हम लोग, आप लोग जानते ही होंगे घर में कैसी कैसी बातें करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ऐसी ऐसी बातें चलती है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। इसलिए आदत डालिए कि घर के बीच में भगवान की ही बातें हो, भगवान की वार्ता। और रामायण में तो बड़ा सुंदर लिखा है भाई, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय गौरा जी ने राम जी के बारे में पूछा, हे भोले बाबा मुझे राम कथा सुनाओ। क्या पूछा? राम कथा सुनाओ। अच्छा ये बात नोट करना मेरी, घरवाली घरवाले को कह रही कि मुझे कथा सुनाओ। अरे जितनी भी हाथ खड़ा करती कि बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई है ऐसी तो घर वाले को बोलती कि मेरे को कथा सुनाओ, है कोई? कोई नहीं। तो आप बोलते हैं बहुत अच्छी है। बोला हरे कृष्ण। अच्छा कोई घर वाला है तो घर वाले को कहता है कि क्या सुन के आई, सुना दो सही। बोलता है किसी का घर वाला? ये आदतें डाल लेना, रोज घर वाले को एक कथा सुनाओ या एक कथा सुनो। बच्चों में आदत डालो ताकि बच्चे भी आपको कथा सुनाएं, तभी तो घर में माहौल बनेगा। भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी तुम धन्य हो, अरे तुम्हारा क्या कहना है कि धन्य धन्य गिरी राज कुमार, धन्य धन्य गिरी राज कुमार। ये रामायण की चौपाइयां हैं, गाले ना साथ। धन्य धन्य गिरी राज कुमार, धन्य धन्य गिरी राज कुमार, तुम समान नहीं कोई उपकार, तुम समान नहीं कोई उपकार, तुम समान नहीं कोई उपकार, तुम समान नहीं कोई उपकार। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे गिरिराज कुमारी तुम धन्य, अरे ओ पहाड़ों की बेटी तू धन्य है, क्योंकि तूने राम जी की कथा के बारे में पूछा है। किस बारे में पूछा? राम जी की कथा के बारे में। जो जो कथा के बारे में पूछते हैं वो धन्य होते हैं। तो ये परिवार भी बड़ा धन्य है जो भगवान जी की कथा को करवा रहा है। प्रेम से कहना हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाराज तो जीवन का वो सप्ताह धन्य और भागवत की कथा धन्य, कथा को सुनने वाले धन्य और सुनाने वाले भी धन्य। ये धन्य शब्द सबको सुनने को नहीं मिलता, ये किसी किसी को ही सुनने को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये धन्य शब्द का प्रयोग ऋषि भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए किया। हे भरत तुम धन्य हो,
जो सब कुछ छोड़ करके राम जी को लाने जा रहे हैं। इसी धन्य शब्द का प्रयोग लंका काल में कुंभकर्ण करता है, विभीषण को कहता है, अरे धन्य धन्य ते धन्य विभीषण असुर कुल नीति विभूषण। हे विभीषण तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तीन बार बार। क्यों? क्योंकि तूने राक्षस होते हुए भी राम जी को पहचान लिया, पर मनुष्य मनुष्य होकर भी राम जी को नहीं पहचानता, लेकिन तूने राक्षस होने के बाद भी राम जी को पहचान लिया, इसलिए तू धन्य है। तो विभीषण कहने लगे, भाई तू मेरी पार्टी में आ जा, ज्वाइन कर ले मेरी पार्टी, राम जी की पार्टी में आ जा। कुंभकर्ण कहने लगा, देख भैया विभीषण, ये तामसिक शरीर है, ये शरीर शराब पीता है, मांस खाता है, भजन अपने बस का नहीं, अपने बस में तो केवल लड़ाई है, लड़ ही सकता हूं राम जी के साथ, पर भाई एक प्रार्थना है, राम जी को कहना कि लड़ने खुद आना, राम जी खुद आ गए तो मैं कम लड़ूंगा, ऐसा ना हो कि सारे बांदरों को मरवा दे राम जी, किसी और को मत भेजना, मेरी बराबरी का योद्धा इस धरती पर ही नहीं है, ये तू भी जानता है, राम जी को बता देना, केवल राम जी के सामने हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भैया तूने पहचान लिया कि वो परमात्मा है, और मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कभी गलत निर्णय है। और एक निवेदन और रहेगा, राम जी को कह देना कि मेरी गर्दन सबसे बाद में काटना, ये सारी बातें कुंभकर्ण ने कही। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये धन्य शब्द सभी को सुनने को नहीं मिलते। बोलो हरे कृष्ण, सारी बोल, इसलिए ऐसा काम करें जिससे आप भी धन्य बन जाए। नैमिषारण्य का वो पावन तीर्थ है जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, और सबसे आगे बैठे हैं शौनक जी। शौनक जी ने 6 प्रकार के प्रश्न किए। पहला प्रश्न, किम श्रेय, कि मनुष्य के करने के लिए सर्वश्रेष्ठ काम कौन सा है, कोई बताएगा कौन सा काम है जो सबसे बढ़िया है, जो आदमी को करना चाहिए, रोज करना चाहिए, कौन सा काम है वो? भजन। कौन सा काम है? तो कितने लोग हैं जो करते हैं? करते तो होंगे, तभी तो बैठे हैं। और देखो, हम सभी जानते हैं कि श्रेष्ठ काम भजन करना है। भगवान का रोज भजन करिए, घर में सत्संग करिए, ये श्रेष्ठ काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम घर में ऐसे काम नहीं करते। अच्छा, करेंगे भी तो थोड़ी देर को, 5-7 मिनट। पहले माताओं को इंतजार रहता था, शाम के 6-7 बजने वाले हैं, जोत लगानी है घर में, अरे 2 वक्त मिलने वाले हैं, जोत कर लो, पूजा कर लो। ये पुरानी पुरानी माताएं बड़ी चिल्लाती है, अरे 2 वक्त मिल गए, जोत नहीं लगाई तूने, पढ़ना छोड़, क्योंकि जानती है कि जब 2 वक्त मिलते हैं तो केवल भजन करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। उस समय का किया हुआ भजन बड़ा लाभ देता है, लेकिन महाराज आजकल उल्टा हो गया। आजकल इंतजार रहता है कि शाम के 7-8 बजने वाले नाटक भी आ गए, नाटकों के चक्कर में घर में पूजा पाठ भी बंद हो गए। बोलो हरे कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ काम है भजन करना, भक्ति करना। ये भक्ति इस जन्म में भी काम आती है और अगले जन्म तक काम आती है, काम आती ही चली जाती है, इसलिए भजन जरूर करें। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, पहला है किम श्रेय, शास्त्र सारह कह,
महाराज पूरे शास्त्रों का सार क्या है, क्या निचोड़ है शास्त्रों का, कोई बताएगा वो सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, क्या है निचोड़ सारे शास्त्रों का? भजन। क्या है निचोड़ सारे शास्त्र क्या सिखाते हैं? भजन। नाम संकीर्तन। शिव पुराण की कथा सुनोगे तब भी भजन ही होगा, देवी भागवत सुनोगे तब भी भजन है, भागवत सुन रहे हो तब भी क्या करना है? अरे बोल दो। मैं सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको बता रहा हूँ, सारे शास्त्रों का सार है भजन करना। क्या है सार? अब प्रश्न दो है पर दोनों का उत्तर एक ही है, भजन करना। जो भजन करना सीख जाते हैं, कई हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो भक्त शिरोमणि है। इन गोपियों ने कई शास्त्र थोड़े पढ़े, ये बस भजन करती थी और ये अनपढ़ थी। आपने अनूप जिलोटा जी का वो भजन सुना होगा, एक भोली भाली गांव की गवारन पंडितों की वाणी हो गई, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी कि ब्रज की महारानी हो गई। और क्या शब्द लिखा? एक भोली भाली गांव की गवारन। गवार समझते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, अरे पढ़ा लिखा थोड़े गवार है, लेकिन वो कहीं डिग्री उनके पास नहीं थी, किसी कॉलेज में वो लोग नहीं गए थे, लेकिन उनके रोम रोम में श्याम बसा हुआ था। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो। अब ध्यान से सुनना, इन गोपियों की बात चलिए, ऐसे जरा ध्यान से सुनना। इन गोपियों के पास भगवान जी एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो हर चीज में गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसे हर चीज में स्वर्ण पदक मिला था, और वो भगवान जी के मित्र, उनका नाम है उद्धव जी महाराज। क्या नाम है? उद्धव। क्या नाम है? अब याद रखना, सुनना बात को। इन उद्धव जी के पास हर प्रकार की डिग्री है, वेद के आचार्य हैं, सांख्य के आचार्य हैं, दर्शन के आचार्य हैं, धनुर्वेद के आचार्य हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, सारी धरती की जितनी विद्या है उन सब में 100/100 नंबर इन्हें मिला, और ये गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन अंतिम डिग्री पाने के लिए भगवान जी इन्हें गोपियों के पास वृंदावन भेजते, जबकि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। समझ रहे बात? ये ऐसी जगह है जहां पर आपकी डिग्रियां काम नहीं आती, यहां पर आपकी भक्ति काम आती है। क्या काम आती है? भक्ति। उद्धव जी बड़े हैरान परेशान, महाराज कमाल कर रहे हो, मैं जाऊंगा उन्हें समझाने, क्या वो मेरी बातें समझेंगी? भगवान जी ने कहा तू जा तो सही, हर इतने बड़े हर विषय में गोल्ड मेडल लिया है, पढ़ने के लिए तुम विदेश गए हो, विदेश में भी गोल्ड मेडल लेकर आए हो, स्वर्ग में जाकर बृहस्पति के तुम शिष्य बने हो, जाओ तो सही समझाओ उनको। लेकिन जब अंतिम डिग्री को पाने ये जाते हैं, 6 महीने तक इनको होश नहीं आते। तो महाराज ये जो शास्त्रों का सार है, वो सारा सार है भजन। क्या है सार? क्या है सार? याद रहेगा, कल पूछूंगा भी मैं। बोलो हरे कृष्ण। जोर से गई। अच्छा, ये गोपियां किस भक्ति के लेवल पर होंगी भाई? बड़ी हैरानी की बात, एक छोटी सी बात सुनाओ। एक नई नई कोई गोपी थी, उसका विवाह हो गया और उसने श्याम सुंदर को देखना चाहा। अरे मैंने देखना है इनको,
लेकिन आपको पता है ये सास थोड़ी ज्यादा ही अच्छी होती है, ये सास तो होती ही अच्छी है। बोलो हरे कृष्ण। सासू माँ ने कहा घर से बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, ये भगवान को दिक्कत हो गई। मैंने तो शादी इसलिए करवाई कि वो दिख जाया करेंगे, अब वो दिखेंगे नहीं क्यों, क्या ये थोड़ी बात बनेगी। एक दिन सास कहीं पड़ोस में गई और पड़ोस में वो गई थी, इसने अपनी घर की बहू ने सारी मटकियां खुद ही फोड़ दी, मिट्टी की मटकी। सास आई, अरे ये क्या, ये मटकियां किसने फोड़ी? बहू कहने लगी क्या बताऊं भैया, वो नंद का छोर आया था, सब तोड़ गया। अभी जाती हूँ यशोदा के पास, वैसे भी उसकी बड़ी शिकायतें हैं। उस बहू ने कहा अरे सुनो सुनो, आप जाओगी तो बात बिगड़ जाएगी, बड़े लोग बोलते हैं तो बातें बिगड़ जाती हैं। अच्छा, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा? हाँ बहू बोल तो ठीक रही है, पर ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा, कल को फिर तोड़ेगा, मैं समझा कर आऊं। हाँ तू जा, मेरी तरफ से ठीक तरह से समझा के आई हो। बोलो हरे कृष्ण। अभी गोपी समझाने गई, समझाना थोड़ा था इसने, इसने तो दर्शन पाना था, समझाने के लिए चली। अब जैसे ही जाती है, इसने एक बहाना बनाया कि चलो एक गोबर की टोकरी ले आऊंगी, घर में आंगन लीपूंगी। अच्छा, पहले माताएं घर की साफ सफाई गाय के गोबर से लीप कर करती थी, और क्या क्या डिजाइन डालती थी बीच में। अब तो हालत ही खराब है। बोलो हरे कृष्ण। अब तो गोबर को कोई हाथ लगा के राजी नहीं है। हम चले गए एक जगह, वहां गाय के गोबर का चौका लगाना था, गोबर तो मंगा लिया, तो गोबर ऐसे पकड़ कर लाए हुए थैली में डाल दिया। मैंने कहा ये थोड़ा चौका लगा दो, तो हम लगाए। मैंने कहा तेरे बापू ने लगाया, किसने लगाना? गोबर से। और किससे लगाते चौका? चौका गोबर वाले को बोलते। महाराज 15 मिनट लगे समझाने में, वो घर वाला कोई चौका लगा के राजी नहीं। फिर एक बुढ़ा आया बेचारा, मैं कहा चलो भाई मैं ही लगा दू, तुमने मैं तो ऐसे फिर उठाता हूँ, महाराज हम लगाते। बोलो हरे कृष्ण। और ये इस धरती की बातें हो गई, हम आपके नजदीक की बातें। पहले घर घर में गाय पाली जाती थी, अब लोगों ने गाय पालनी तो छोड़ ही दी, पर घर से और दिन से भी लोगों के गाय निकल गई, ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहो सारे, बोलो। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात समझा रहा हूं। अब ये गोपी क्या करने लगी, जाती है और जाकर के महाराज यशोदा मैया को कहती, मैया थोड़ा गोबर चाहिए था। इतने भी अंदर से भगवान जी ने देखा, ये गोबर वाली तो मुझे लग नहीं रही है, थोड़ी देर पहले मेरे बारे में इसने झूठ बड़ा बोला है, झूठी है एक नंबर की। भगवान जी ने यूं देखा, अरे मैया थोड़ा गोबर मैं उठवा दूं इसके पास। हाँ हाँ जा जा। अब ये आई, गोबर भरने लगी, देख भगवान को रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा हरे कृष्ण कृष्ण बोल कर गोबर भरा, गोबर इतना भर दिया वो टोकरी हिले भी ना। भगवान ने कहा तेरा ध्यान कहाँ है? ये मन ही मन में सोचने लगी, ध्यान तो आपके ही पास है। हाँ वो तो ठीक है, पर इतना गोबर उठाएगी पतली कमर टूट जाएगी, आधा कर ले इसको, दूसरा चक्कर लगा लियो। बोलो हरे कृष्ण। दूसरा चक्कर, हाँ ये भी ठीक है, दो बार दर्शन हो जाए, अब थोड़ा उठवा देगा। भगवान ने कहा हम फ्री में काम नहीं करते, बदले में क्या मिलेगा। अब ये जानती है कि भगवान जी को मक्खन बड़ा पसंद है, कहने लगी बदले में तुम्हें मक्खन दूंगी। हाँ ये हुई ना बात, भगवान जी ने टोकरी उठवाई सिर पे रखी, जा अभी चल पड़ी। बोलो हरे कृष्ण। रास्ते में बेंके फिर आ गई,
जब आती है फिर भगवान ने कहा तू इतना गोबर कहाँ डालेगी, अरे जी पूरे पूरे घर की लिपाई करनी है। भगवान ने कहा सुन जितनी टोकरी ले जाएगी उतने मक्खन देना पड़ेगा तुझे, लेकिन याद कैसे रहेगा मुझे कि कितनी टोकरी ले गई तू। अब ये कहने लगी कि मैं आपके मुख पर गोबर का टिक्का लगा दूंगा। अब ध्यान से सुनना जो बात आपको समझाने जा रहा हूं। हम आप लोग तो भोग लगाने से भी डरते हैं, लेकिन इन गोपियों का प्यार इतना गहरा है ये भगवान जी को गोबर का टिक्का भी लगा देती है। अच्छा एक टिक्का नहीं पूरे टिक्के टिक्के लग गए, भगवान जी तो यो खुश आहा घर पहुंचे। मैया ने देखा ये गोबर लगा के कहां से आ गया। अच्छा आपका बेटा आ जाए गोबर लगवा के, सच बताना तेरा दिमाग खराब है, किसने लगाया तुझे गोबर बता मुझे। भगवान कह रहे हैं अरे मैया ये गोबर नहीं है, ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब क्या हिसाब किताब? अरे जितने मुख पर टिक्के लगे हैं ना इतने मक्खन के पेड़े मिलेंगे। कल भैया ने पकड़ा एकदम मुंह साफ कर दिया, भगवान नाराज हो गए। कमाल है भैया कमाल कर रही हो, हिसाब किताब सारा गड़बड़ कर दिया। अगर कल उसने अगर मक्खन के गोले कम दिए तो बोलो हरे कृष्ण। अब ये इतने बड़े होकर भी ऐसी लीलाएं करते हैं तो समझ में आता है कि ये गोपियां इनके पास बेशक डिग्री नहीं थी। क्या नहीं थी? डिग्री नहीं थी, पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आज इनके नाम से पीएचडी कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए धन्य भागवती वार्ता समझ गए। दो प्रश्नों के उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? भजन। दूसरे का उत्तर भी क्या है? अरे बोल दो भजन। किम श्रेय शास्त्र सारा का स्व अवतार प्रयोजनम। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान जी अवतार क्यों लेते हैं। अच्छा क्यों लेते हैं भगवान अवतार? क्या कारण है जो भगवान अवतार लेते हैं? अच्छा क्या रावण को मारने के लिए अवतार लेते होंगे? रावण को मारना कोई बड़ी बात है? एक नाड़ी मलोप कर दी, राम नाम सत हो गया, हार्ट अटैक हो गया तब मर जाए। क्यों लेते हैं भगवान अवतार? भगवान जी ने अपने श्री मुख से कहा है तुम सारी के संत प्रिय वो, 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 तुम सारी मुख से कहते हैं कि आप जैसे संत मुझे प्यारे हैं, मैं इसलिए अवतार लेता हूं संतों का दर्शन करने के लिए। किस लिए अवतार लेते हैं भगवान? आप जैसे संत मुझे प्यारे हैं इसलिए शरीर धारण करता हूं, वरना और कोई कारण नहीं। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा संत क्या करते हैं? भजन। क्या करते हैं? जोर से बोलो। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है स्व अवतार प्रयोजन कि भैया मैं इसलिए अवतार लेता हूं कि मेरे संत भजन करते हैं और भजन के प्रभाव से मुझे उनके पास आना ही
अरे बोल दो। पढ़ता है इसलिए मैं अवतार लेता हूँ। ध्यान से सुन, एक संत है बड़ी छोटी उम्र के, उनका नाम है सुतीक्ष्ण महाराज। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। ये जब छोटे से थे, इन सुतीक्ष्ण जी को किसी ने अगस्त जी को दे दिया कि अगस्त जी इस बच्चे को आप ही पालना। अब अगस्त ऋषि जी ने जब इस बच्चे का माथा देखा, अरे अरे अरे, ये तो मेरे भाग्य से यहाँ आया है, ये वो सच है जो राम जी को यहाँ ला सकता है। इसलिए सुतीक्ष्ण जी जब थोड़े बड़े होते हैं तो अगस्त जी ने इन्हें सेवा दे दी कि तुमने ठाकुर जी का रोज स्नान करवाया करना। बोलो हरे कृष्ण। अब आपने भी घर में ये गोपाल रखे होंगे, शालिग्राम जी रखे होंगे, रोज माताएं स्नान करवाती है, कई बार बच्चों को सेवाएं देती है। अब हमारे घर में तो सारी सेवा का काम बच्चे ही करते हैं, पाठ भी वही करेंगे घर में, गीता भी वही पढ़ती है, रामायण भी वही पढ़ती है, सुंदरकांड भी वही पढ़ती है, और ठाकुर जी का स्नान भी वही करवाते हैं। हम तो उनके सिर पे घर में फ्री रहते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को भी घर के काम सौंप दो कि बेटा ये तुम्हारा ही काम है, और उन्हें फिर कथाएं सुनाओ। अब सुतीक्ष्ण जी को कथाएं रोज सुनाई जाती थी कि भगवान प्रेम के कारण मिलते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यार, राम ही केवल प्रेम प्यार, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी केवल प्रेम के ही वश में होते हैं। किसके वश में? प्रेम प्रेम। जो प्रेम करना जान लेते हैं वो राम जी को पा जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये सुदीक्षण जी, अच्छा गुरु जी, प्रेम करने के लिए क्या करना होगा? बेटा प्रेम करने के लिए रोज स्नान करवाना भगवान का। अच्छा गुरु जी, अब ये सुदीक्षण जी रोज शालिग्राम जी को ले जाते हैं, और शालिग्राम जी को साथ ले जाकर के नदी में स्नान करवाते, अपने आप भी डुबकी लगाते, इनको भी नहलाते। जिंदगी बीतने लगी, धीरे धीरे 5-7 साल हो गए। एक दिन नए रास्ते से गुजरे, सामने नदी थी, नदी के पास में जामुन का पेड़ लगा था। अचानक जामुन ऊपर से आया और सुतीक्ष्ण जी ने जब वो जामुन खाया, इतना मोटा जामुन, क्या बात है, मजा आ गया खाने। अरे वाह, अभी बच्चे तो थे, इन्होंने क्या करना कि ठाकुर जी को रखा साइड में, पत्थर लेके जो पत्थर मारने लगे। अब रोज पत्थर मारते हैं, जामुन गिरते हैं, मजे से खाते हैं। आहा, कई दिन बीत गए। बोलो हरे कृष्ण। भाई एक दिन जामुन तोड़ने में इतने मस्त हो गए, इतने मगन हो गए, जो पत्थर उठाया दे मारा, पता ही नहीं लगा तो शालिग्राम जी को उठाकर भी फेंक दिया। शालिग्राम जी जामुन तो नीचे फेंक गए काफी, लेकिन अपने आप पानी में चले गए। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा अब ये भर गया तो मामला गड़बड़ हो गया, भगवान जी तो पानी में चले गए, बहुत ढूंढे भगवान मिले नहीं, अब क्या करूं मैं?
कहाँ जाऊँ मैं अब? अब तो गुरुजी से घर में डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, जामुन का ही श्रृंगार कर दिया। और जामुन का श्रृंगार करके बड़े प्रेम से सजा करके रख दिया। और गुरुजी भी आरती लगे उतारने जामुन की। शालिग्राम गिरी महाराज, अच्छा शाम को ये जामुन सिकुड़ गया थोड़ा। गुरुजी सोचने लगे भगवान इकट्ठे क्यों हो गए। जब हाथ लगाया तो चमड़ी निकल गई। हे मेरे भगवान, भगवान की चमड़ी निकल गई। जब थोड़ा उठाकर देगा ये तो जामुन है। हे सुदक्षिण इधर आ। हाँ गुरुजी। अरे हाँ क्या, ये बताइए जामुन कैसे रखा तूने? शालिग्राम जी कहाँ है? वो गुरुजी वो जामुन, भगवान जी तो गए। अरे तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया। अब तुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। सामने चौराहा है, वहां अपनी कुटिया बना ले, निकल जा आश्रम से, उस कुटिया पर रहना। और जब तक असली ठाकुर को लेकर मेरे पास नहीं आएगा, तब तक कुटिया में मत आना। सुदक्षिण जी समझ गए, गुरुजी बैठाने को नहीं कह रहे हैं। गुरुजी ये कह रहे हैं कि बेटा असली ठाकुर आने वाले हैं, वो वहां जाके बैठ जाए। अब ये वहां जाकर के बैठ गए महाराज, और भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते काफी वर्ष बीत गए, कई बरसातें निकल गई। भजन करते करते और आज एक दिन अचानक राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे। जैसे ही सुदक्षिण जी ने देखा, हाय हाय, अरे जो मेरे गुरुजी सुनाते थे नीला रंग होगा, हाथ में धनुष बाण होगा, जटाएं घुंघराली होगी, माथे पर सूर्य का तेज होगा, अरे ये तो वही लग रहे। और जैसे ही सुदक्षिण जी ने देखा, प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु, हाय 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 हाय, आज मेरे यहां राम जी आए हैं, प्रणाम प्रणाम। अरे सुदक्षिण जी महाराज, कई युग मेरे बीत गए, आज आई मिलने की पूर्णमासी, आज मेरे घर भी आ गए अभी नाशी। अरे आज मेरे घर भी आ गए, वाह वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु, मेरे साथ मेरे गुरुजी के आश्रम चलिए। मेरे गुरुजी ने मुझे निकाल दिया था, और गुरुजी के वचन थे कि भगवान को लेकर आना। तो अब मैं आपको बिना गुरुजी से मिले आगे नहीं जाने दूंगा, चलिए मेरे से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन
भले टल जाए भगत का मानना टलते प्रेम से आग्रह किया भगवान जी पहुंच गए अगस्त जी के आश्रम पर। बोलो हरे कृष्ण जोर से कहिए सारे बोलो। और अगस्त जी ने आज राम जी का दर्शन पाया। समझ गए तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तीसरे प्रश्न का उत्तर भी भजन ही है। तीसरा प्रश्न कौन सा है? हाँ भगवान जी अवतार क्यों लेते? समझ गए अवतार क्यों लेते? अगर आप भक्ति करें तो आज भगवान यहां भी आने को तैयार हैं। अरे वहां चलेंगे हम, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम किसके वश में है? अरे बोलो प्रेम के वश में। बोलो हरे कृष्ण सारे ही बोलो। थोड़ा जोर से बोलो जरा हरे कृष्ण। अच्छा किम श्रेय शास्त्र सारह कह स्वावतार प्रयोजन किम कर्म? कर्म क्या होता है? अब इसे बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा कर्म क्या है। देखिए आजकल गर्मी के दिन है, अगर आपने पानी अपने लिए पिया तो वो कर्म किया। क्या किया? अगर पानी आपने किसी दूसरे को पिला दिया तो सत्कर्म कर दिया। क्या कर दिया? सत्कर्म। अच्छा वही पानी आपने छीन लिया तो कुकर्म कर दिया। तो एक काम सत्कर्म भी हो सकता है, कुकर्म भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है। अच्छा अवतार कितने हैं? मुझे शास्त्र तो कहते हैं कि 10 अवतार हैं मुख्य रूप से, और गौण रूप से 24 अवतार हैं। वैसे भगवान अनंत हैं, कितने अवतार ले ले कोई पता नहीं। बोलो हरे कृष्ण। धर्म कम शरणम गता। ये धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान जी धराधाम छोड़कर चले गए धर्म कहाँ गया? ये धर्म। अरे भगवान जी ने अपना दिव्य तेज इसी भागवत में स्थापित किया है, धर्म कहीं गया नहीं, धर्म हमारे ही पास भागवत जी के रूप में है। बोलो हरे कृष्ण सारे ही कहो जोर से कहो हरे कृष्ण। इसलिए भैया प्रेम करना सीख लीजिए और अपने मन को एक बात जरूर कहना, प्रेम मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम मन तू प्रेम पुजारी, प्रेम मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम मन जा तू प्रेम पुजारी। प्रेम का घर हो प्रेम का आंगन, 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 प्रेम की चार दीवारी रे बनल, प्रेम की चार दीवारी रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी। प्रेम कृष्ण है प्रेम राधा, प्रेम कृष्ण है प्रेम राधा, प्रेम कृष्ण है
कैसी प्यारी है बनारसी प्यारी जादु प्रेम रे मन जादु प्रेम प्रेम मंत्र है प्रेम तंत्र है 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 प्रेम है सखियां सारी प्रेम प्रेम के बिना कहीं कुछ नहीं है। अगर हम लोग घर भी जाते हैं ना तो प्रेम के कारण ही जाते हैं। जिस घर में प्रेम नहीं मिलता लोग उस घर को ही छोड़ देते हैं। क्या करें घर में रहकर। और प्रेम का असर जंगली जानवरों पर भी हो जाता है, इंसान पर क्यों ना हो। इसलिए अपने मन को रोज समझाना और ये कहना अपने मन को प्रेम है पूजा प्रेम ही कर्म है प्रेम है पूजा प्रेम ही कर्म है। अजाब घर में पूजा करें और प्रेम ही ना हो। जरा सोचना आपको कोई खाने के लिए करेला दे रहा है। क्या दे रहा है? करेला है और उसके खिलाने में प्यार है। अरे बाबूजी थोड़ा सा खा लो, बनाई करेला है क्या करें, क्षमा करना इतने प्यार से खिलाए। सच बताना करेला कड़वा लगेगा कि मीठा? मीठा ही लगेगा। अरे खा लेते लोग। अच्छा कोई रसगुल्ला दे खाने को लेकिन खिलाने में प्यार ना हो। रसगुल्ला खा ले तेरे को चट्टो बीता है। सच बताना रसगुल्ला खाने का दिल करेगा? बोले आग लग जाए मेरे रसगुल्ले को। वो रसगुल्ला करेले से भी कड़वा लगेगा क्योंकि उसमें क्या है? प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम का करेला भी मीठा लगता है और बिना प्रेम का रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। इसलिए महाराज प्रेम है पूजा प्रेम ही कर्म है प्रेम ही पूजा प्रेम ही कर्म है प्रेम है राधा प्यारी प्रेम है राधा प्यारी प्रेम जादू प्रेम पुजारी प्रेम जादू प्रेम पुजारी प्रेम जादू प्रेम पुजारी प्रेम जादू प्रेम पुजारी। अब आप लोगों ने गाना इस भजन का जन बड़ा मीठा भजन है रे मन थोड़ा जोर लगा दो रे मन रे मन प्रेम कृष्ण है प्रेम है राधा प्रेम कृष्ण है प्रेम
प्रेम है बंसी प्यारी रे मन प्रेम है बंसी रे मन भुरे मन जिस दिल में प्रेम है उस दिल में भगवान बसते हैं। और ये जो भागवत है ना ये विशुद्ध प्रेम का ही शास्त्र है। राधा जी श्याम जी से कहने लगे प्रभु धरती पर भी हमारा थोड़ा प्रचार होना चाहिए कि हाँ हम भी चाहते हैं कि हमारा धरती पर प्रचार। इसलिए प्रचार करने के लिए कोई अपना कार्यकर्ता भेजना पड़े। जिस पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित हो ईमानदार हो वो पार्टी कभी डूबती नहीं। अब हम भी पार्टी को लेकर आए हैं आपके बीच में। हमारी पार्टी के जो मालिक हैं वो ये बैठे हैं। इनका नाम है प्यारे मोहन। क्या नाम है? आप मिलिए इनसे। सब मिलिए होंगे। अब तो मिलाऊंगा फिर मैं आपको। और हमारी पार्टी का एक ही नारा है हरे कृष्णा। क्या नारा है पार्टी का? कितने लोग हैं जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं? कई लोग तो पहले से ही ज्वाइन हो गए। तो कह दो एक बार हरे कृष्णा। तो पार्टी के नाम का झंडा घर में जरूर लगा लो। हमारी पार्टी का जो झंडा है वो पीले और लाल रंग का है। पीला झंडा इनके जो कार्यकर्ता है हनुमान जी। लाल रंग का झंडा उनका पीला ही। इसलिए अपने घर में लाल रंग का पीले रंग का झंडा जरूर लगा लो। जो जिस पार्टी का आदमी होता है उसके नाम का झंडा उसके घर में लगता होता है। अच्छा एक बात और, बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती है। अब आपके सामने ये बड़ी बड़ी सरकारें बदल गई लेकिन ये सरकार कभी नहीं बदलती। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी ये सरकार कभी बदलने वाली। अरे बोल दो प्रेम से कहो हरे कृष्णा। तो हमारी पार्टी का नारा है जोर से बोलो हरे कृष्णा। तो खूब प्रचार करिए अपनी पार्टी का जोर लगाइए। जो कार्यकर्ता जोर नहीं लगाते तो पार्टी फेल हो जाती है। अच्छा इस पार्टी का तो मजा है हम ही देख लो। हम इस पार्टी के नारे लगाते इतने हार पड़ जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। वरना हम हैं क्या? कुछ भी नहीं। अरे पार्टी का नाम ही तो लेते हैं। इस नाम की वजह से यहाँ बैठे हैं। तो राधा जी कहने लगी कोई अच्छा कार्यकर्ता भेजना पड़ेगा धरती पर। अरे हाँ हमारे कार्यकर्ता एक ही हैं जो हमें अति प्रिय हैं और उन कार्यकर्ता का नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। क्या नाम है? ये भगवान जी के कार्यकर्ता है। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया मैया मैं तो नहीं जाने वाला। अरे आपको छोड़कर जाऊंगा मैं? पागल हूँ मैं नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी तो रूठ कर बैठ गए। राधा जी कहने लगी सुखदेव जी किसी दुर्गम क्षेत्र में प्रचार करना हो अपना कोई खास ही भेजना पड़ता है वरना लालच में लोभ में दूसरी पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को बहला फुसला लेते हैं। अरे हमारे पास आजा। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा ध्यान से सुनना जो आदमी दारू की बोतल के ऊपर वोट डाल दे फिर वो चाहे कि कोई विकास भी हो जाए ऐसा थोड़े होगा। अरे दारू की बोतल जितनी तो तेरी औकात है फिर तू चाहता है कि विकास भी हो तब नहीं होने वाले। अगर विकास चाहिए तो जितने भी नेता आए उनको एक बात जरूर कह देना भैया हमको ये नहीं चाहिए हमको तो काम चाहिए तब तुम्हें वोट डालेंगे। लेकिन हम आप लोग ही होते मीटिंग कराने वाले। अरे जी बाउंस गांव में दो पेटियां नहीं आई
उधर नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। बाद में फिर जाए कि ये काम कर दो, फिर ले लो छुनछुना। बोलो हरे कृष्ण, हरे तुम्हें इतनी शराब की बहुत पेटियां दी है, विकास मांग दिमाग खराब है। अब जिसने 2 करोड़ खर्चा है वो पैसे भी तो पूरे करेगा। बोलो हरे कृष्ण। जनता दोहरे मापदंड में जाती है, इसलिए कहने लगे कि कार्यकर्ता को लोग बहला फुसला लेते हैं। पक्का ही आदमी चाहिए अपना, कोई भी लालच दे, लेकिन कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जो फिसले ना। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो। सुखदेव जी ने कहा वो तो है मैया, पर भगवान की माया इतनी प्रबल है, ये पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। भगवान जी ने कहा हमारा आशीर्वाद है, हमारी माया का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सुखदेव जी ने सोचा जब इतने वचन हो रहे हैं कि ठीक है महाराज, फिर मेरा धरती पर जाने से मेरा नाम भी रहेगा, अरे युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। तुम हमारी कथा भारत देश के एक राजा को सुनाओगे, जो राजा बिल्कुल 7वें दिन मरने वाला होगा, और उस कथा में चमत्कार घटेगा। युगों युगों तक आपकी कथाएं सुखदेव जी सुनाई जाएंगी, जाइए आप। तो सुखदेव महाराज एक अंडे के रूप में हिमालय पर्वत पर तोता और मैना के माध्यम से प्रकट हो गए। बोलो हरे कृष्ण। इधर भगवान जी के एक और कार्यकर्ता है जिनका नाम है नारद जी। क्या नाम है? ये भी कार्यकर्ता है भगवान, और ये इशारा कर दिया भगवान जी ने, जाओ जाओ, ये भोले बाबा ही है जो सुखदेव जी को प्रकट करवा सकते। अब नारद जी ने तो वीणा उठाई और पहुंच गए कैलाश पर्वत। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा, कैलाश पर्वत पर अपने जो गौरा जी है, ये नारद जी की ही शिष्या है, इन्होंने गुरु मंत्र नारद जी से लिया। गुरु जी को देखकर बड़ी प्रसन्न, गुरुदेव आप आ गए, धन्य है धन्य गुरु जी, गुरु जी वाह वाह। गुरु जी को देखकर बड़ी खुश हुई, पर गुरु जी बहुत दिन हो गए आप आते ही नहीं, आना जाना ही छोड़ दिया, कोई नाराज है, नाराजगी है क्या? गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, नाराजगी तो कोई नहीं है, पर दुनिया मतलब की है, मतलब है तब सब बुलाते रहते हैं, बिना मतलब से कोई याद नहीं करता, इसलिए बेटी मैंने आना जाना ही छोड़ दिया। और मतलबी लोगों के जब नाम गिनाए, सुर नर मुनि सब किया हरि, सुर नर मुनि सब किया हरि, स्वार्थ लागत नहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागत नहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरि, कितने लोग हैं मतलबी? सुर सुर मैंने देवता। अच्छा ये भी देवता है, गौरा जी सब देवता ही तो है। गौरा जी कहने लगे हे भगवान, मतलबी बताया, सबसे नंबर 1 पे हमें ही रखा, नंबर 2 पे नर, नंबर 3 पे मुनि। ये जो तपस्या करने वाले, ये भी मतलब के लिए तपस्या कर रहे, कोई सिद्धि मिल जाए जनता पीछे लग जाए। गौरा जी ने कहा गुरु जी और होगी बातें छोड़ दो, पर मेरे वो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत ही भोले हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये जो भोला नाम रखा है ना गौरा जी ने रखा है, अच्छा हर घर वाली को अपना घर वाला भोला ही लगता है, नहीं लगता तो बताओ। घर का कोई भी काम हो, कोई भी काम करना हो, तो घर वाली कहती ठीक है। बोलो हरे कृष्ण। आपने कहा शादी ब्याह में घर वाले की फोटो टेढ़ी आएगी हमेशा, कभी देख लेना किसी दूसरे की एल्बम, उसको पता ही नहीं होता है देने क्या वाली है। जब देख सूट भी करा ना, तो कंबल भी, हार भी, अच्छा तो पकड़ा होगा, अब ऐसा उस सोच में पड़ा रहता है ये क्या।
बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहो। अब घर के जितने भी काम होते हैं मर्दों को थोड़े पता होते हैं, मर्द बेचारा आएगा जाएगा, अच्छा ये भी करना ये भी करना, घरवाली ही चाबी देती है तभी चलते हैं। ये देवियां ना हो तो कथाएं बंद हो जाए। देखो ये कितनी अगर अभी हाथ खड़े करवाए परसेंटेज देखे तो देवता आए तो है पर आधे से भी कम है, देवियां ज्यादा है। ये देवियां ही होती है, मैंने तुझे कथा को बोल दिया करवानी पड़ेगी। घरवाला कहता है देखो है, क्या देखो है, कुछ नहीं देखो, कथा करवानी। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। अब इस यहाँ जो दो तीन कथाएं हुई है देवियों की वजह से हुई है, माताओं की तालियां बजाओ। इन माताओं ने पीपल के पेड़ ना लगाए होते तो पंडित जी यहाँ आए ना होते। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा ये पेड़ों की करामात देखो, पेड़ तो लगे ही लगे, साथ में भोले बाबा भी आ गए। अच्छा भोले बाबा आए ही आए तो ग्राउंड भी बन गया, साथ में गंगा जल भी ले आए, गंगा जल भी प्रकट हो गया आपके यहाँ, इशारे आप समझ ही गए होंगे। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहो सारे ही, बोलो हाथ उठा के बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस बस हो गया हो गया, इनको इतनी प्यास लगी हुई, ज्यादा मत घुमा करो पानी वाले बीच में, ऐसा करना वहीं लगा दो पानी का पीछे, वहीं पीते रहेंगे। बोलो हरे कृष्ण। एक इधर लगा दो एक उधर लगा दो, बस ऐसे तो बेचारे की पीड़ा एक ले परेशान दस लोग ऐसे देखते रहते। बोलो हरे कृष्ण। अब हमें भी देखो, हम भी आपकी तरह ही है, हम तो 3 घंटे में पानी भी नहीं पीते, आप तो मजे है। वक्ता तो गुलाम होता है, श्रोता आजाद होता है। आप तो आजाद उठकर चले भी जाते हैं, मैं थोड़े जा सकता हूँ, मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहो सारे ही, बोलो। ये गौरा जी ने ही नाम रखा है भोलानाथ। क्या नाम रखा है? भोलानाथ। अच्छा ये हमारे देश में एक रिवाज है, घरवाली कभी घरवाले का नाम नहीं लेती, आजकल भी नहीं लेती। तुम लेती तो नहीं कहीं घरवाले का नाम? बोलो हरे कृष्ण। घरवाले का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, कोई प्यार से अपना नाम रख लो, सुनो जी मुन्नू के पापा, ऐसी ही माताएं नाम रख लेती है घरवाले का। अच्छा घरवाले को भी वही नाम सुनने की आदत होती है। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहो। पर आजकल की ऐसी संस्कृति आ गई, हे मेरे भगवान। चलो गांव में तो फिर भी ठीक है, हम तो शहरों में भी कथाएं करते हैं, शहरों में जब ये कथा सुनाता हूँ फिर वो ऐसी बैठी रहती है घर में, फिर घर वाले का नाम लेती नहीं आके, फिर घर वाला बोलता है थोड़ा सा कल और बोलते क्या क्या बोल रहा काम भी नहीं दिख रहा। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो अपना एक नाम रख लेना चाहिए भोला। और सुनो गुरु जी, ये मेरे ये सच में भोले, इनको नहीं लगता वरदान देने का भी पता, अब लगी घर वाले की सफाई देने, ऐसा है वैसा। ये देवियां होती ही ऐसी है, जब भी पास बैठेंगे तो अरे जी मेरा घर वाला तो बड़ा खेड़ा बोला है, कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना उनकी बातों का, वो बोलने के ही ऐसे है। अच्छा कहीं बाहर गलियों में घूमो तब पता लगता है पंडित जी आजकल कहाँ हो, ये उनके घर में, अरे बड़ा खतरनाक आदमी होती है, अरे घर वाली कह रही भोला है, और गली में लोग कह रहे वो तो बम का। बोलो हरे कृष्ण। सारे जब ज्यादा ही तारीफ कर दी फिर कथा भी सुना दी, कि सुनो जी मेरा घर वाला कितना भोला है, एक राक्षस नाम था वृकोदर। क्या नाम? ये तपस्या करने लगा सुबह 6 बजे,
बारह बजे तो भोलेनाथ प्रकट भी हो गए। कहो क्या चाहिए? और इसको भरोसा ही ना हो कि ये असली शंकर है कि डुप्लीकेट है। राक्षस को ही भरोसा ना हुआ, हरि की आप ओरिजिनल शंकर हो? अरे हाँ भाई, को तपस्या कर रहा है इतनी जल्दी। बोलो हरे कृष्ण। हरी जल्दी का क्या, तू वरदान मांग क्या चाहिए? अच्छा महाराज, जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। दे दिया वरदान, जादादास तो ऐसा ही होगा। इसको भरोसा ही ना हो कि ये वरदान सच्चा भी है, कि हाँ बिल्कुल सच्चे, कि जरा नजदीक आना फिर। अब भोले बाबा पास भी चले गए, सर पे हाथ रख दिया था, मैंने कहा भाग जाओ, गए नहीं तो काम से। बोलो हरे कृष्णा। जो वहां से शंकर भगवान भागे, इतने भोले हैं, फिर मैंने याद किया नारायण जी को, हे प्रभु प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। फिर भगवान बौने ब्राह्मण बन करके आ गए, छोटे से ब्राह्मण। भगवान जी ने कहा अरे राक्षस राज कहां भाग रहे हो? अरे पंडित जी थोड़ी देर बाद मिलूंगा, शंकर भाग जाएगा। अरे शंकर रुक जा। जब भोलेनाथ रुक गए, भोले बाबा ने देखा आ गए प्रभु, आ गए, आ गए, बच गया, बच गया, आ गए। राक्षस सोचने लगा बड़ा करामाती ब्राह्मण, शंकर को रोक दिया, वैसे भी थक गया हूं, रुक जाता हूं। अच्छा अच्छा बताओ क्यों रोका मुझे ब्राह्मण देवता? अरे कहां भाग रहे हो? अरे सुबह मैं तपस्या करने बैठा, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा, 6 बजे 12 बजे आ गया। ये ओरिजिनल शंकर बता रहे अपने आप ही बताओ, ब्राह्मण देवता क्या 6 घंटे में भगवान प्रकट हो जाते हैं? भगवान ने कहा 6 घंटे में 6-6 जन्म लग जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, इतनी जल्दी कैसे? अच्छा क्या वरदान दिया तुझे? कि वरदान दिया जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। अरे आ गया चक्कर में, रहने दे। बोलो हरे कृष्ण। मैंने भी तपस्या की कि मैं लंबा हो जाऊं, अभी तक ठीक नहीं हूं। कहा लंबा, अभी तक लंबा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मेरे सिर के ऊपर से हाथ घुमा, कुछ हुआ मुझे कि नहीं? अपने सिर के ऊपर से घुमा, कुछ हुआ तुझे कि नहीं? ऐसे ही बोलते हैं, एकदम थोड़े जलता है आदमी, पहले बाल गर्म हो गए, नजदीक हाथ का गर्मी लगी कि अभी तो नहीं लगी, कि और नजदीक का बाल जले कि नहीं, कहीं गर्म भी नहीं हुए तो रख दे सिर पे हाथ, जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा भस्म हो गया। बोलो हरे कृष्ण। भोले बाबा कहने लगे महाराज बचा दिया। भोले बाबा को समझाने लगे भगवान इतनी जल्दी क्यों जाते हो, थोड़ा टिक जाया करो, ये लोग इनको भरोसा नहीं होगा कि भगवान मिल गए। अच्छा आप ही बताओ, आप सुबह बैठे यहाँ 6 बजे और 12 बजे शिव जी मिल जाए, हो जाना भरोसा? तो बहरूपिया जा लग रहा आपको, भरोसा ही नहीं होगा। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कहो। अच्छा भोले बाबा की बड़ी बड़ियाई कर रही है। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है बेटी, पर वो गले में माला डालते हैं ना, वो किसकी है? वो मुंडू वाली माला। कि मुंडू वाली माला? हाँ वो किसकी है? कि वो, अब ये गौरा जी को पता नहीं था। अरे बेटी मैंने पहले ही कहा अपनी सारी बातें कोई भी बताता नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। सारे ही बोलो, बड़ा जोर से बोलो। बस नारद जी तो बोलकर चले गए और गौरा जी घर में रूठ गई और अंदर चली गई। भोले बाबा शाम को घर आए, नंदी बेचारे परेशान बैठे। अरे बेटा नंदी कुछ खाया नहीं? कि खाना कहां था, आज गुरु जी आ गए माता जी के। माता जी के गुरु जी? हाँ क्या कहा गुरु जी ने पता नहीं, कुछ बातें करते रहे आप समय, सुबह से नाराज होकर बैठी है, ना घास ना पानी कुछ भी नहीं। अब भोले बाबा अंदर गए,
जैसे ही अंदर जाते हैं बोलो हरे कृष्ण। देगा तो है तो गौरी पर क्रोध में गुस्से में हो गई काली। हम ध्यान से सुनो, जिन्होंने गोरे बन के रहना है उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो रंग काला हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो। अरे देवी नाराज गाय को हो कि बस करो, मेरी तो गुरुजी ने आंखें खोल दी। गुरुजी ने आंखें खोल दी, क्या कहा गुरुजी ने? महाराज जी बाकी बातें छोड़ो, पर ये बताओ ये जो माला डालते हो ये किसकी है? अरे देवी इस बात से नाराज हो गई, ये माला तुम्हारी ही तो है, तुम्हारे ही नाम का एक मड़का पिरो लेता हूँ, इतने जन्म हो गए तुम्हारे। हे राम, कौन सी बूटी खा रखी है? अपने आप तो सदा एक जैसे रहते हो, मुझे बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा देवी मैं एक अमर कथा को जानता हूँ, मैंने तुम्हें सुनाने की कोशिश तो बहुत की पर तुम्हें नींद आ जाती है। क्या आ जाती है? अच्छा कथा में नींद जरूर आती है, आपको भी आती है? बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो, हाथ उठा के बोलो हरे कृष्ण। आती है नींद कथा में? आई जाती है, कई तो बड़ी चलाक होती है, ऐसे डांस कर देगा। तीन घंटे बाद पट जी कथा बहुत सुनी सुनाई, मतलब क्या सुनाया? वो तो नहीं लगा जी पता, पर सुनी वो एक कथा। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो हरे कृष्ण। अरे जोर लगाओ थोड़ा, बोलो हरे कृष्ण। गौरानी कहने लगी कि मुझे कथा सुना दो, मैं कथा इस बार जरूर सुनूंगी, सोऊंगी नहीं। कि चलो कोई नहीं, करते हैं कोशिश। नंदी पर बैठे और चल पड़े कथा सुनाने भोलेनाथ। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नंदी सोचने लगा मुझे भी कथा सुनने को मिल जाएगी। अरे वाह, जैसे ही रास्ते में चले सबसे पहले भोले बाबा ने नंदी बैल को ही त्याग दिया। नंदी कहने लगे महाराज मुझे तो कथा सुना दो। भगवान जी ने कहा देख नंदी, कथा में सींग वाले लोग नहीं चाहिए। कैसे लोग नहीं चाहिए? अब देख लेना कहीं आपके सिर पर सींग है तो। मेरे को तो कोई 12 सींगे भी मिले, अभी कैसे कैसे सींग होते हैं देखना, सुनाता हूँ आपको। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो ये सींग वाला व्यक्ति कहीं भी होगा कथा में आ गया, ऐसा सींग मारेगा तबाह कर देगा सारा काम। कैसे? एक सींग होता है बुराई वाला, जब देखो तब गलतियां ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गलतियां निकालेंगे। ना ना ये चोरी चोरी थी कथा, लेकिन इनका दिमाग खराब है। जी बरका होगी ना तब लगना पता, ब्यास जी भी होंगे, मार दिया सींग समझ लेना 12 सींग। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा, किसी ने कहा होगा भैया ना वो तो ठीक है, ये लंगर रोज लगाएंगे, फालतू पैसा खर्च कर एक सींग और मार दिया। कोई कहेगा अच्छा एक ही टाइम दे रहे लंगर, इतना कुछ है के पास, सवेरे जो चाय पकौड़े कर दे, ब्रेड पीसी बढ़ा दे, ये मार दिया सींग। समझ लेना वो 12 सींगे है, कौन है लेना देना कख नहीं, सींग मार देने चार चार। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा वो तो ठीक है, पर पंडित जी वही रह गए थे और नहीं मिला कोई ब्राह्मण कथा करने करवाने के लिए, इनका भी दिमाग खराब है। बोलो हरे कृष्ण। मार दिया एक और सिंह, लगे 12 सिंह के पता है जी। अच्छा अब कैसे माताओं में कैसी कैसी बातें होती है, वो तो ठीक है पर ज्यादा सजना भी नहीं चाहिए, वो ऐसे ही रहते। देखो बोलो हरे कृष्ण।
समझो वो छोटे छोटे उनके सिंह छोटे छोटे निकल रहे हैं। दोबारा सिंगों से बच के रहना, बोलो हरे कृष्णा। ये सिंह वाला आदमी कमेटी में भी होगा, कमेटी को तबाह कर देगा, समझ रहे बात। इसीलिए नंदी को कहा, बेटा तू यहीं बैठ पहरा दे। नंदी आज भी पहरा दे रहा है, नंदी आज भी सामने बैठा है कि भैया आज तो मुझे तो कभी तो कथा सुनने को मिलेगी, आज भी सामने बैठा रहता है, बिल्कुल सामने बैठा है, इंतजार कर रहा है, कभी तो कहेंगे बोले बाबा सुन ले। अच्छा, गले में नाग था, नाग सोचने लगा मुझे तो कथा सुनने को मिल जाएगी, क्या बात है। भगवान जी ने नाग को भी निकाला बैठने के लिए। नाग कहने लगा महाराज मेरी खूबसूरती तो देखो। अच्छा, जब भी कोई उदाहरण देते हैं किसी की आंखें सुंदर हो, अरे नागिन जैसी आंखें हैं भाई, अरे नागिन जैसा जलता, नाग जैसा जलता है, बल खाता है, कितने उदाहरण देते हैं। नाग ने कहा कि मुझे तो कथा सुना दो। भगवान ने कहा देखो बेटा तू चिकना भी है, सुंदर भी है, तेरी आंखें भी बढ़िया है, पर तुझ में एक दोष है, तू जब भी उगलेगा चेहरे ही उगलेगा। क्या उगलेगा? ये जहर वाला आदमी कमेटी में हो, घर में हो, परिवार में हो, ये बर्बादी कर देता है। अब कैसे कैसे जहर होते हैं पता ही होगा आप लोगों को, बोलो हरे कृष्ण। मैं तो एक दो बात समझाऊंगा, बाकी खुद ही देख लेगा। धुंधली की कथा किस किसने सुनी? बस वो सारे जहर ही है, समझ गए बात, बोलो हरे कृष्ण। अच्छा बैठे होंगे, ऐसी बात कोई आगे से करेगा ना कि वो सर में दर्द लगा देगा। अगला बेचारा बढ़िया काम कर रहा है कि चलो आज हम ये दान कर देंगे, इतने में दूसरा ज्यादा पैसे तुम्हारे पास, दिमाग खराब है, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ये वो ना जाने कैसी कैसी बातें, ऐसा जहर उगलेंगे कि जो कुछ दान पुण करना है उसको भी रोक देंगे, बोलो हरे कृष्ण। इसलिए जहर वाले आदमी से भी सावधान रहना। जिनके विचार अच्छे नहीं होते वो सब जहरीले ही होते हैं। अच्छा, जिनके विचार अच्छे हो तो पराया भी अपना लगता है, और विचार अच्छे नहीं तो अपना भी, अरे बोल दो, पराया रहता है, समझ गए। अच्छा, ऊपर बैठा है चंद्रमा, चंद्रमा कह रहा है मुझे तो कथा सुनने को मिल जाएगी, मेरे तो मौज लग गई भाई, बोलो हरे कृष्ण। अब चंद्रमा को भी भगवान ने उतार दिया उधर नीचे। चंद्रमा ने कहा मुझे क्यों उतार रहे हो, मैं तो बड़ा ठंडा हूं, अरे देवताओं में मेरी गिनती है। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, पर तुझे बैठने का पता नहीं है। बैठने का पता नहीं, हाँ सिर पे बैठा है। जो ज्यादा सिर पे चढ़ जाते हैं उन्हें भी कथा सुनने को, इसलिए बैठने का पता होना चाहिए। जिसे बैठने का पता लग गया जीवन में वो सफल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को बैठने का ही पता नहीं होता, बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहिए सारे, बोलो हाथ उठा कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब महाराज भोले बाबा ने डमरू बजाया, जैसे डमरू का नाद हुआ अंडे में हलचल हो गई, अंडे के बीच में जीव आ गया सुखदेव जी, और बैठ गए भोले बाबा, कथा सुनाने लगे। सामने गौरा जी को बिठा दिया, जैसे हमने प्यारे मोहन को बिठाया है, बैठ गए सामने। अरे देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, इसलिए ध्यान से सुनना कथा, बीच में हाँ हाँ करते है ना, बोलो हरे कृष्ण। अच्छा आंखें बंद करके कथा सुनाए और सीधी कथा सुनाते रहे तो लोग सो ही जाते हैं। अच्छा मैं भी अगर ऐसे आंखें बंद कर लू बीच में कुछ समझाऊ ना तो आप लोग भी धीरे धीरे बस थोड़ी देर बाद, बोलो हरे कृष्ण। जोर से बोलो। एक पंडित जी थे बेचारे, उनको कथा आंख बंद करके करने की आदत थी। पंडित जी को बुला लिया गांव में कि पंडित जी कथा करना, अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, काफी लोग आए थे।
पंडित जी आराम से कंबल के ऊपर बैठ गए। इतने लोग आए कथा सुनने, तो मजा आ गया कथा सुनाने। जो पंडित जी ने आंख बंद की, लगे कथा सुनाने। जो साथ में चेले होते थे वो 3 घंटे बाद आरती की धुन बजाते थे, तब पता लगता पंडित जी को की हो गई, आरती का टाइम हो गया। आंख ही नहीं खोलते पता थे। 3 घंटे बाद चेले ने धुन बजाई तो देखा आगे एक आदमी वो भी लेटा हुआ, बाकी सारे ही चले गए उठकर। पंडित जी ने कहा जब मैं कथा शुरू की आदमी तो बहुत थे, कि बाकी कहां चले गए? कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया, कोई गप्पे मारने लग गया कि जब उठेंगे तब देखेंगे। अब बोलो हरे कृष्ण। चलो पंडित जी ने पूछा भैया चलो एक ने तो सुनी, वो भी उठा जमाई लेता हुआ, पंडित जी हो गई कथा कि बेटा तुझे तो अच्छी लगी? कि अच्छी नहीं महाराज, ये लोग बड़े चला गए यहाँ के लोग। क्या हुआ? कि तू क्यों नहीं गया? कि जाना कहा था, लोगों ने चलाकी कर दी। कहा कि पंडित जी आ गए, पंडित जी को आसना चाहिए, मेरा कंबल आपके नीचे बिछा दिया। और ये कंबल घरवाली का है, उसके दाज में आया है, दहेज का कंबल है। बिना कंबल से घर गया तो मैं बाहर ही रहूंगा। बोलो हरे कृष्ण। महाराज मैं तो कंबल लेने के लिए बैठा हूँ, मेरा कंबल दो तो मैं भी जाऊँ। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहिए भैया। सीधी सीधी कथा सुनने वाले तो बड़े कम रह गए, अब तो बीच में समझाना भी पड़ता है, जय श्री कृष्ण के नारे भी लगाने पड़ते हैं, भजन कीर्तन भी गाना पड़ता, तब बात बनती। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो, दोनों हाथ उठा के। अब लगे कथा सुनाने, पर जैसे ही कथा सुनाने लगे गौरा जी कहने लगी हाँ, वाह महाराज वाह वाह, आनंद आ गया। भोले बाबा जो कथा सुनाने लगते हैं, और महाराज बोलो हरे कृष्ण। जब उद्धव जी की कथा शुरू हुई ज्ञान वाली, बस गौरा जी को नींद आनी, सो गई गौरा। कथा सुन करके अंडे से तोता बाहर निकला। तोते ने कहा ये कथा बंद हो जाएगी, इसलिए तोता कहने लगा हाँ। कथा तोते ने सुन ली। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया कथा सुनकर। भगवान ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब गौरा जी ने कहा ये फिर उद्धव जी ने क्या कहा? उद्धव जी ने, अरे कथा तो पूरी हो गई, ये कथा सुन कौन रहा था? सामने देखा तो कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। जब ऊपर देखा, अरे 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 अरे, इस तोते ने कथा सुन ली। अब ध्यान से सुनना, जो बाहर ये स्पीकर लगाए हैं ना दूर आवाज के लिए, ये उन लोगों के लिए लगाए हैं जो पंडाल में नहीं आ सकते, किसी कारण से लाचार हो या कोई काम कर रहे हो। लेकिन जो फालतू इधर उधर बैठे हैं ना, उनको तो पंडाल में ही कथा सुननी चाहिए। अब चलो नीचे रसोइये हैं, काम कर रहे हैं। भैया रसोइये बड़े अच्छे हैं आपके, तालियां बजा दो उनके लिए। आप बढ़िया बढ़िया सब्जी खिला रहे हैं भाई। हाँ हाँ, मुझे तो अच्छी लग रही है, आपका पता नहीं आपको लगती कि नहीं लगती, पर मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। बोलो हरे कृष्णा। जोर से कहो, ये तो उनके लिए है जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो फालतू में इधर उधर बैठे हैं, कथा भी नहीं सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनना क्या परिणाम निकला कथा का। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, फेंक दिया, और त्रिशूल तोते के पीछे पड़ गया। उदा सोचने लगा तो गड़बड़ हो गया काम, क्या करूं? सुखदेव जी उठने लगे, अरे अरे, लेकिन त्रिशूल नजदीक जाता है पर मारता नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज अमर कथा सुन ली है। बोलो हरे कृष्ण। जोर से कहिए जरा। और सुखदेव जी कहने लगे लगन तुमसे लगा बैठे। उठा लेना हाथ जरा, जिनकी लगन लग गई
उन्हें चिंता नहीं होती, चाहते कि लगन लग जाए। ऐसे करो फिर आप बोलो हे प्रभु कृपा कर दो कि हमें भी सच्ची लगन लग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, अरे जिन्हें भी लगता कि श्याम जी अपने हैं उठाइए जरा हाथ, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे होगा। ये देखिए हमारे प्यारे मोहन जी, उठा लीजिए जरा हाथ, जो भी जानते हो कि प्यारे मोहन अपने बन जाए, थोड़ी तालियों की सेवा कर लेना जरा। कीर्तन का आनंद तभी है अगर आप सम्मिलित हो कीर्तन में, उठाइए हाथ दोनों। अरे क्या बात है, अरे करिए जरा हाथ, दोनों हाथ यूं करिए। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी मुझे भी बड़ी शर्म आती थी, अरे दुनिया बदनाम कराएगी भजनों पर नाचते गाते आते। उठा लो हाथ जरा, कभी ये ख्याल था हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया आए आए बदनाम कर देगी, शर्म हमें। अरे उठा लो हाथ जरा, ये भक्ति करने के लिए थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है, ऐसे उठाइए हाथ जरा, शर्म करो पूरे कामों की, अच्छे काम की थोड़े करनी चाहिए, उठाओ हाथ। शर्म अब बीच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, अब बीच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग ऐसे करिए, जो ट्रेनिंग में रह जाते हैं वो फिर मारे जाते हैं, ऐसे करो जरा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी,
जो होगा देखा जाएगा। मोहन से दिल के लगाया है ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल के लगाया है ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल के लगाया है ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल के Amen।
ठेठे पे दिल क्यों आया है बात भी सच्ची है भाई, और जो प्यार करता वही जानता, जिसे पता ही नहीं इस रस का। आपके क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने वृंदावन जाते हैं, हर महीने, हर महीने, और बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं उनके, सारे कारोबारों को छोड़ करके हर महीने वृंदावन जाते हैं दो दिन के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और हम आप लोग एक एक बार भी नहीं गए, है कोई जो साल में दो तीन बार जाया जाता है? हाथ खड़े करना, साल में छोड़ के आओ तो। बोलो हरे कृष्ण। अरे जिंदगी का बढ़िया काम भी जवानी में ही होता है, पर घटिया काम भी जवानी में ही होता है। सबसे बढ़िया काम भी जवानी में होगा और सबसे घटिया काम भी। इसलिए जवानी है तो ही घूमना होता है, बुढ़ापे में तो आदमी अपने आंगन में नहीं घूम सकता। वृंदावन तो छोड़ो। बोलो हरे कृष्ण। सारे कहो। सुखदेव जी सोचने लगे तो मामला गड़बड़ है, मारा जाऊंगा मैं तो, इसलिए ऐसा करता हूं कहीं छिप जाता हूं। लेकिन छिपू कहां? सुखदेव जी जैसे ही ऊपर से चले, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सारे बोलो जोर से। आगे व्यास जी का आश्रम था, उस आश्रम के बीच में उनकी घरवाली नहाने के बाद बाल सुखा रही थी। अचानक जमाई आई, सुखदेव जी ने सोचा है माता ही बचा सकती है। तुरंत महाराज माता के मुखमंडल से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो हरे कृष्ण। और पूरे 12 साल अंदर रहे। कितने साल? 12 साल के तो पेट में ही हो गए। 12 साल व्यास जी कहने लगे, अरे वो बेटा अब तो जन्म ले ले। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी माता जी को पूछ लो, कोई कष्ट नहीं है। अरे मैं 12 साल का बेशक हो गया, लेकिन मेरा वजन एक फूल से भी कम है। कि चलो वो तो बात मानते हैं, फूल से भी कम है, ऐसा है वैसा है जो भी है, लेकिन फिर भी बेटा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। कि पिताजी जन्म तो हम तब लेंगे अगर भगवान आकर के वचन दे दे कि मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान जी को आना पड़ा, वचन देना पड़ा। अब सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही यम प्रभ्रजन्तम् अनुपेतपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयम् मुनि सूत जी सुनाने लगे, मेरे गुरु जी जन्म लेते ही बाबा वैरागी बन गए, घर से निकल पड़े। व्यास जी पीछे भागे, अरे ओ बेटा संस्कार तो करवा ले। पेड़ों से आवाज आई, संस्कार तो वो करवाते हैं जिनमें कोई विकार हो, जिनमें कोई विकार ही नहीं संस्कार की बात का करवाएंगे। भैया आपका सोना जब मैला ही नहीं है, क्यों ले जाओगे सुनियार के पास? खराब होगा तभी ले जाओगे। आगे दौड़े दौड़े जाने लगे, अप्सराएं स्नान कर रही थी। 12 साल का वो नौजवान युवक जा रहा है, सभी अप्सराएं प्रणाम करती हैं, लेकिन जैसे ही बूढ़े व्यास जी पहुंचे, बोलो हरे कृष्ण। सारी बोलो, सभी पर्दा करके बैठ गए।
व्यास जी बड़े हैरान, अरे जब मेरा नौजवान बेटा गया किसी ने तुमने पर्दा नहीं किया। यहाँ देवियों ने एक बड़ी गहरी बात कही कि जो आपका बेटा है वो परमहंस है, उसे स्त्री पुरुष के भेद का पता नहीं, नहीं। लेकिन आपको पता। अब व्यास जी समझो हो, इसे वापिस लाने की ताकत मुझ में तो नहीं है। वापिस आ गए और आकर के बैठ गए, उदास है, क्या करूं मैं, कहां जाऊं। इस उदासी के बीच में एक आशा की किरण जगी और वो है संत नारद। नारद जी वीणा बजाते हुए व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे और पूज्य अमास विधि नारदम सुर पूजितम, बड़े विधि विधान के साथ नारद जी का पूजन किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है, बड़े उदास लग रहे। अरे आपने तो एक वेद के चार वेद कर दिए, चार वेदों के पुराण बना दिए, फिर भी आप उदास हैं। सारे धर्म की मर्यादाएं आपने ही तो बनाई है। अब जितने भी ये उद्यापन होते हैं, जितने भी ये व्रत होते हैं, जितना भी ये पूजा पाठ है, ये सब व्यास जी ने ही निर्मित किया है और ये व्यास जी का बनाया हुआ ही है। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नई हो, हर चीज को व्यास जी ने लिखा है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे ज्ञान है, चाहे विमान शास्त्र है, चाहे आयुर्वेद शास्त्र है, चाहे धनुर्वेद है, परमाणु हथियार है, जैविक हथियार है, इन सब का वर्णन व्यास जी पहले ही कर चुके हैं। हर चीज का वर्णन व्यास जी ने किया हुआ है। बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो हरे कृष्ण। अरे इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी आप बड़े उदास हैं, क्या बात है। व्यास जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, पर गुरु जी नारद जी क्या बताऊं, लिखा तो मैंने बहुत कुछ, मन को शांति नहीं। देखो भाई, आप जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ ही लगता है, सब कुछ व्यर्थ लगता है। अरे मन को शांति तो है नहीं, घर भी डाल लिया, मकान भी डाल लिया, फिर भी शांति नहीं। इसका अर्थ ये हुआ शांति कहीं और जगह से मिलती है। नारद जी ने कहा, आपको शांति केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही है जो शांति के दाता। अच्छा महाराज, पर अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, बुढ़ा हो गया हूँ, अब कहाँ लिखूंगा। अरे सुनो सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी की गाथा को लिखो, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा पुत्र भी वापिस मिलेगा और आपको शांति भी मिलेगी। बोलो हरे कृष्ण। अब अपने बारे में नारद जी बताने लगे, सुनो, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था और मेरा नाम हरिदास था। मैं जब छोटा था मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ को जीवन बिताना कठिन है। जिस घर में घर का कमाने वाला नहीं रहता, घर में गरीबी पड़ जाती है। भगवान करे कभी किसी का कमाने वाला ना बिछड़े। भैया जब तक कमाने वाला है, महंगी चीज भी सस्ती लगती है। जिस दिन कमाने वाला नहीं रहता, सस्ती चीज भी महंगी लगती है। इसलिए कमाने वाले की सदा कदर करनी चाहिए, सम्मान पाना। मेरी माँ जब दुखी हो गई, और वैसे भी विधवा को रहना बड़ा कठिन है समाज में, लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, ना जाने क्या क्या बोलने लग जाते। बहुत दुखी हुई और मुझे लेकर के संतों के आश्रम पर चली गई और वहां सदा भजन होता था, सत्संग होता था, सदा भगवान के नाम के भंडारे लगते थे।
आश्रम का निर्माण हो रहा था, हम भी उसमें काम लग गए करने और संतों की सेवा करने लग गए। एक दिन वहां कुछ विशेष संत आए और वहां पर वो भजन करने लगे। इतने प्यार से वो भगवान की कथा सुनाते थे, इतने प्यार से वो सत्संग करते थे कि मैंने उनसे गुरु मंत्र ले लिया और उन्होंने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे कहा बेटा इस मंत्र का जप करना, ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। अरे जिसे इस मंत्र को सुनने की आदत पड़ जाए, जो इस मंत्र को आत्मसात कर ले, हर समय जिसके अंदर ये मंत्र चलना शुरू हो जाए, उसे भगवान अपना दीवाना बना लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। हे व्यास जी, मैं जप करने लगा। मैंने कहा मैं आपके साथ ही चलूंगा गुरु जी, लेकिन मेरी मां ने संतों को कहा मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरे गुरु जी ने भी कहा बेटा पहले मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो। मां बाप की इजाजत के बगैर कोई सन्यासी भी बन जाए तो भी सुखी नहीं रहता। माता पिता की इजाजत लेकर ही सन्यास धारण करना चाहिए। गुरुजी मैं इंतजार करने लगा कि मेरी माता जी, हे प्रभु आप ही बुला लो अपने पास। मेरे भगवान से प्रार्थना की और भगवान जी ने एक दिन मेरी सुन भी ली। मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया, माता जी की मृत्यु हो गई। दुनिया वाले कहने लगे ये अकेला कैसे पलेगा, बेचारे के साथ जन्म हो गया। लेकिन मैं मन में सोचने लगा अब भजन करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। घर बार को छोड़कर मैं चला गया और मैंने त्याग कर दिया घर बार का, और मैं चला गया घर बार को छोड़। बोलो हरे कृष्ण सारी तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मैं चला गया घर बार छोड़ करके अपने गुरु जी को ढूंढ। मेरे गुरु जी तो मुझे नहीं मिले। उत्तर दिशा में जब मैं जंगलों में गया, मैं याद करने लगा मेरे गुरु जी ने क्या शिक्षा दी है। मुझे याद आ गया मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र जप करने को कहा था। अब हम सभी मंत्र जाप करेंगे और ये एक तरह से गुरु मंत्र ही होता है। इसमें घर घर में जप करना इसका, रोज पाठ करना इसका, सभी सीधे बैठ जाना, आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा ये अखंड मंत्र चल रहा था, धीरे धीरे सारी प्रकृति एकाकार होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी, मैं जब ध्यान में बैठा इस मंत्र ने इतनी ऊर्जा प्रदान कर दी। चारों तरफ जितने भी पशु पक्षी जंगली जानवर थे सब शांत हो गए। हवा भी शांत होने लगी। मेरा मंत्र चल रहा था, अचानक अंदर मुझे भगवान के दर्शन हुए। जब मैंने अंदर भगवान जी के दर्शन पाए, अरे ये क्या है? सुंदर श्याम सुंदर की वो छवि अंदर दिखने लगी। मोर मुकुट वाला वो बंसी वाला नजर आने लगा। भगवान जी ने कहा, बेटा इस जन्म में तुझे इतना ही दर्शन होगा, अगले जन्म में तू रोज मेरा दर्शन करेगा। बेटा इस मंत्र का जप करते रहना, जितना ज्यादा जप करते रहोगे अमर हो जाओगे। मेरा अखंड भजन चलने लगा, प्रकृति से मैं पूर्ण एकाकार हो गया। अचानक बादल गरजने लगी। ओम नमो भगवते सारी धरती डूब रही है, लेकिन मैं मेरा शरीर छूट गया है, पर मैं मंत्र बोल रहा था। अरे ये क्या, शरीर तो छूट गया भगवत, पर मैं जिंदा हूँ। आश्चर्य, शरीर समाप्त है, मेरा मंत्र चल रहा है, मैं जिंदा हूँ भगवत। उसी दिन मैं अमर हो गया। वासुदेवा, सारी सृष्टि, जितने भी जीव जंतु हैं भगवत भगवान की नाभि में समा रहे। वासुदेवा, हम सभी वहीं रहने लगे। लेकिन मेरा भजन चल रहा था भगवत। अरे हम तो अमर हैं, हम तो कभी मरते नहीं, हम तो जिंदा हैं। सदा एक रस है, सदा अमर है हम भगवत। मैंने देखा ना
नाभि से कमल का फूल पैदा होता है। फूल पल मेरे ब्रह्मा जी का जन्म लेकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी शुरू की भगवते, और ब्रह्मा जी ने मन से मुझे पैदा किया। मैंने अपना जन्म देखा, अरे ये भजन का जब मैंने प्रभाव देखा, हाय 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 हाय, मेरे मन में तो वही दिव्य छवि अंदर बसी हुई थी जिस मूर्त का मुझे मन में दर्शन हुआ था। अरे वाह, कि क्यों तुम्हें देख कर ये यकीन होता है, कि क्यों तुम्हें देख कर ये यकीन होता है, कोई जहां में इतना भी हसीन होता। व्यास जी, जब मैंने ठाकुर जी को देखा, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, हाय हाय। और ठाकुर जी को देखकर मैं ठाकुर जी के सामने ठुमक ठुमक करके जब नाचने लगा, वो देव बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई और जगह आप नाचे या ना नाचे, अपने लड़के की शादी में मत नाचना, चल पड़ेगा, और भगवान की कथा में जरूर नाचना, और दिल से नाचना, शरीर से नाचो ना नाचो मर्जी आपकी, पर आत्मा से जरूर नाचना, मन से जरूर नाचना। जब मैंने देखा परमात्मा, मेरी आंखों से तो झरझर आंसू आ गए, हाय। अपनी किस्मत के क्या कहने, सर पर है हाथ दुआओं। अपने आप में बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं, बड़ा भाग्यशाली है, बहुत धन्यवाद तूने मुझे अपनी कथा सुनाने का मौका दिया है, हाय हाय। हे व्यास जी, जब मैंने देखा ठाकुर जी को सामने, मैं देखते ही देखता ही रह गया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी, हाय हाय। भगवान जी हंस रहे, तेरे नैन अजब मतवारे, बादल है कारे कारे, हाय हाय। भगवान जी हंसने लगे, क्या बात है। नारद जी ने कहा, मैं तो बलिहार हूं आपके, बलिहार हो। तुरंत भगवान जी ने वीणा दे दी, पकड़ो कि देवदत्ता में माम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चरा। भगवान जी हंसे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया
सनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार श्यामा जू बलिहार श्यामा अरे हाथ उठाले ना उन्हें हिलाले ना हाथ मत कहना बताया नहीं कभी बात बनेगी करना मेरे साथ आंखें बंद के करना फिर देखो कि कैसे देख लेना खोलो ऐसे करना जैसे मैं कर तेरी चाल लजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे 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 तेरी पायल मेरी पायल मेरी पायल की चंद कलियां पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार श्यामा जो बलिहार प्यारे जो बलिहार
पे बलिहार प्यारे जू बलिहार श्यामा जू। याद कर लेना भजन बड़ा प्यारा है। ओ तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैन मटके हैं तेरी मोर तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार बलिहार श्यामा जू। बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो जोर से बोलो। नारद जी ने आप बीती सुनाई समझ रहे हो बात को। अरे व्यास जी मुझे संत मिले तो भगवान मिल गए। कौन मिल गए? भगवान। अरे आपको हम मिले नारद जी कह रहे और मुझे भगवान मिले हैं। भगवान ने ये वीणा दी है और अब मैं आपको भागवत प्रदान करता हूँ। चार श्लोकों में भागवत व्यास जी को दे दी। बोलो हरे कृष्ण। लिखो जरा कृष्ण का साथ लिखो भागवत। व्यास जी ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई इष्ट भगवान का ध्यान किया और भागवत जी को लिखना भागवत जी लिखकर तैयार हो गई और सुनाऊ किसे? सुनने वाला भी तो कोई चाहिए। किसे सुनाऊ? अरे अरे अपने उसी बेटे को सुनाऊंगा जो बचपन में ही चला गया था। इसलिए अपने चेलों को बुलाया और चेलों को भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिया। ये वेणु गीत का श्लोक है जो मैं आपको सुनाऊंगा। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी की समाधि खुल गई। समाधि खुल गई सुखदेव जी। सुनना जरा इस श्लोक को बड़ा ही प्यारा श्लोक है। भागवत में लगभग 10 गीत है उसमें से एक गीत ये है वेणु गीत। एक गोपी गीत महिषी गीत भ्रमर गीत युगल गीत ऐसे कुल मिलाकर के 10 गीत है भागवत में। ये वेणु कहते हैं बंसी को। ये बंसी का गीत है। भगवान जी जो बंसी बजाते थे तो ये चमत्कार होता था। जो जड़ होते थे ना पत्थर वो पिघल जाते थे और जो पानी होता था उसकी बर्फ बन जाती थी। जंगली जानवर भी भगवान के पास बैठ जाते थे। सिंह हो चाहे कोई भी सुनता था बंसी बैठ जाता था। ये सुनना जना वेणु गीत कितना सुंदर है। ये वेणु गीत मैं कोशिश करूंगा कि आपको गा करके सुनाऊं। वर हीरम नट वर वो कर्ण यो कर्णिकार विभ्रदवा कनक कपिश वै जयंती जमाला रंदान वेणो रदर सुदय पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति।
इसका अर्थ सुनना है। जिनके सर पर मोर पंख लगा है, नटवर वपुः, शरीर इतना सुंदर है कि कहना ही क्या, जो देखता है देखता ही रह जाता है। अरे महाराज क्या बात है। वर वर मैंने दुल्हा, वर मैंने सृष्टि, दुल्हे की तरह जिनका शरीर सुंदर है और सुंदर सुंदर सोने की तरह चमकने वाले वस्त्र धारण कर रखे, जरा तस्वीर भी बनाते जाना, ये सामने लगी है ना छवि, बस ऐसा ही जरूर सुनना जरा ध्यान से। गले में वैजयंती माला, मोर मुकुट रंग है काला, हाय हाय, मधुर वंशी लबों पे लगाई हुई, मंद मुस्कान होठों पे छाई हुई, इतना सुंदर शरीर है और क्या श्रृंगार कर रखा है। हाय हाय हाय, अपने मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के सहित भगवान जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो जोर से कहो जरा हरे कृष्ण। वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस छवि को जब सुखदेव जी ने सुना, समझा, समाधि खुल गई। अरे अरे इतना सुंदर कौन होगा, ध्यान से सुनना, इतने सुंदर हैं ये हमारे प्यारे मोहन, इनकी बातें सुन करके सुखदेव जी की समाधि खुल गई। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन सुखदेव जी फिर बैठ गए, नाना ये जो सुंदर होते हैं ना ये बड़े अभिमानी होते हैं, नखरे नहीं जाते आगे, नखरे बहुत बहुत, लेकिन फिर भी दिल तो चुरा लिया इन्होंने। बोलिए सांभ लिया सरकार, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे पहाड़ों में इसी श्लोक का एक गीत गाया जाता है और माताएं उस पे खूब नाचती हैं। जब देखो इस गीत को गाती ही रहती है। आओ जरा दो शब्द हम भी गुनगुना लेते हैं। और ये लिखा भी माता नहीं है, बिलासपुर की थी वो माता दंबरी देवी, उन्होंने ही लिखा था ये। उन्होंने तो बहुत अच्छा गाया भाई, वैसा तो हम कहां गा सकते हैं, पर चलो जैसा भी टूटा फूटा आएगा स्वीकार कर लो। ओ मन मोले आ कुंडला, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि श्याम सुंदर हमारा मन मोले। देखो मैं तो चाहता हूं, उठा लो हाथ जरा, अपनी हाजिरी लगा लो। अच्छा पक्के वाले कितने, पक्के की पक्का ही दिल ले जाए भगवान, पक्के वाले नहीं, सारे थोड़े पक्के वाले वाले। अच्छा अपनी पार्टी के सारे मेंबर हैं, बोलो फिर जयकारा हरे कृष्णा। तो खबरदार आपने इधर उधर की पार्टी ज्वाइन की, अब एक ही पार्टी हम सब की। क्या नारा है पार्टी का, जोर से बोलो हरे कृष्णा। अजय दुनिया की पार्टियों का कोई पता नहीं किसका पट्टा बैठ जाए, लेकिन अपनी पार्टी सदा बाहर है।
ये पहले भी थी, आज भी है और अच्छा कितने भी बदल जाए पर पार्टी नहीं बदलती, ये वही रहती है। तो चाहते हैं भगवान दिल ले जाए पक्का। देखो दिल देने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, ये बड़े पापड़ मिलवाते हैं, बहुत मेहनत। शाम को सुनी थी ना कथा शुरू करने का भी, किस किस ने सुनी थी? अरे शाम को भी कथा होती है यहाँ, शाम को भी आ जाया करो, 8 बजे भी कथा होती है, ज्यादा देर नहीं करते हम, 9:30 बजे तक शाम को भी कथा सुनाते हैं। आना शाम को, आज सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे आपके। उठा लो जरा हाथ, गाना भी मेरे साथ हा? और अगर मेहनत करोगे तो ये दिल ले जाएंगे, अगर मेहनत नहीं की तो रह जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया पर बेटे की शादी में नाचो ना नाचो, पर भगवान की कथा में अरे बोल दो, देखते कितना असर होता है आपका। ओ मन मोले आ कुंडला वाले आओ श्यामा श्यामा बजाता
मोहन जी वाले आओ मन मोले आहारा वाले आओ तेरे हाल चाल पूछना मेरे
मोर मुकुट भी लगता तो है, आप सब लोगों का मन भगवान ने मोह लिया है, एक नया भजन भी बन गया है। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो जोर से कहो, अब हाथ जोड़ो, कहो हे प्रभु कृपा करना, हमारा दिल अपने चरणों में लगाए रखना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव जी उठे पर फिर बैठ गए, नाना भाई ये ज्यादा सुंदर है, नखरे होंगे होंगे, बोलो हरे कृष्णा। भगवान जी अब ये चेलों ने दूसरा श्लोक गाया, दूसरे श्लोक में भगवान जी के व्यवहार का वर्णन है। इसका वर्णन है व्यवहार का, भगवान जी का व्यवहार कैसा है, ध्यान से समझना व्यवहार के अहो वकीयम स्तन काल जिंघास्याय पायदप्यसाध्य लेभे गजं धाते चिदा ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान जी का व्यवहार सुनना कैसा, अरे पूतना, भगवान जी को मारने के लिए दोनों स्तनों पर जहर लगाकर आई, जहर पिलाकर मार दूंगी, लेकिन जहर देने वाली को भी भगवान जी ने वैकुंठ दे दिया। बोलो हरे कृष्ण, ऐसा व्यवहार है भगवान का। अच्छा कोई सुंदर भी हो और सुंदर के साथ उसका व्यवहार भी ठीक हो तो सोने पे, अक्सर लोग सुंदर होते हैं पर उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, अक्सर किसी का व्यवहार ठीक हो तो कदाचित वो कई बार सुंदर नहीं होता, लेकिन सुंदरता और अच्छा व्यवहार जहां पर ये दोनों चीजें मिल जाए समझ लेना भगवान जी की बड़ी विशेष कृपा है। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो। सुखदेव जी कहने लगे अरे बच्चों इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक गा रहे हैं, अरे अपने बच्चों को ये श्लोक याद करवा देना, राम जन्म याद करवा देना, ये श्लोक बच्चों को आने चाहिए। अरे कहां से सीखे तुमने, अरे हमारे गुरुजी ने सिखाए, कहां है तुम्हारे गुरुजी, मुझे ले चलो। जब वापिस आए तो देखा ये वही पिताजी है जिनको हम छोड़कर चले गए, अरे ये तो गजब हो गया, क्या बात है। ये भागवत की कथा बिछड़ों को भी अरे बोल दो, बोलो हरे कृष्ण। अब अपने पिताजी से भागवत को सुना, फिर तपस्या करने चले। शौनक जी कहने लगे महाराज कमाल है, ये परीक्षित कौन है, इनको कथा सुनाने आए थे ये, कौन है वो। अरे जो परीक्षित है अब इनके बारे में थोड़ी कथा सुना ली। बोलो हरे कृष्ण। अरे ये पांडवों के ही वंश में हुए, ये अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं, लेकिन ये गर्भ में ही अश्वत्थामा ने इनको मार दिया था, ये जल गए थे गर्भ में, मर गए थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान जी के पास पहुंची, प्रभु मुझे लगता है बच्चा पेट में मर गया है। के पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्पर। महाराज आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा जो मेरे बच्चे को बचा दे। देखो भगवान ही है जो बचा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो प्राण दान दे। बोलो हरे कृष्ण। भगवान जी तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए और मरे हुए बच्चे को भी गर्भ में जिंदा कर दिया। अब इस बच्चे ने भगवान की उंगली पकड़ ली, भगवान जी भी वहीं ठहर गए, एक रूप से सामने खड़े हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो गर्भ में मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर सकती है। बोलो हरे कृष्ण। पर शर्त क्या है? भगवान कहते हैं मेरी शरणागति रखो, सदा भजन करते रहो, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए अपनी पार्टी का नारा लगाते रहना बीच बीच में, बोल दो जोर से, जोर से बोलो, हाथ लागे। अपनी पार्टी का नारा याद हो गया? क्या नारा है? घर घर में जाकर प्रचार कर देना, आज सुबह शाम उठते बैठते रोज नारे लगाओ। क्या कहना है? पड़ोसियों को क्या कहना है? जोर से बोलो, समझ गए? दुकान में भी कोई मिल जाए, हरे कृष्णा। अपनी पार्टी का प्रचार करते रहो। महाराज अब आज पांडवों ने भगवान जी को जाने नहीं दिया, रोक लिया। बोलो हरे कृष्ण। जोर से बोलो हरे कृष्ण। आज रोक लिया, जाने नहीं दिया। और आज युधिष्ठिर का मन ना लगे। आधी रात का समय था, थोड़ी कथा को ध्यान से समझना। आधी रात का समय, मन ना लगे, क्या करूं? आधी रात को उठकर भगवान के कमरे में चले गए। देखा भगवान जी ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद कर दिया। युधिष्ठिर बड़े हैरान, प्रभु आप भी ध्यान करते हैं? हाँ भाई मैं भी ध्यान करता हूँ। आप किसका ध्यान करते हैं? अरे भगत हमारा ध्यान करते हैं, मैं भगतों का ध्यान करता हूँ। अच्छा, इस समय किसे याद कर रहे थे आप? अरे मेरा एक भक्त है जो पिछले 52 दिनों से बाणों की सैया पर है। अरे हम तो भूल ही गए थे। अरे हम नहीं भूलते, तुम भूल गए होंगे। बोलो हरे कृष्ण। सारी हरी, थोड़ा जोर से। अच्छा, सुबह चलेंगे मिलने। सुबह जब सब मिलने गए, पांडव सामने खड़े हैं, भगवान थोड़ी देरी से आए। और जब भगवान जी आए, पांडवों को भी पता न चला, लेकिन भीष्म पितामह ने आवाज लगा दी, आ गए, सामने आ जाओ। पांडव बड़े हैरान, महाराज हमें भी पता ना चला, आपको कैसे पता चल गया? भीष्म पितामह कहने लगे, वो प्रेमी ही क्या जिसको प्रेमी के आने की आहट का पता ना चले। और सामने भगवान है, जो भीष्म पितामह ने कहा ध्यान से सुनो। कहने लगे, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है, स्वीकार करोगे? कि हाँ कहो। कि मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटी? अरे आप तो ब्रह्मचारी हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं? महाराज मेरी एक बेटी है, किसी को पता नहीं है, मेरी एक लड़की है और उस लड़की का नाम है अकल, बुद्धि, मति, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा स
सात पुंग वेद हूँ। महाराज ये मेरी जो मति है इस मति से आप विवाह कर लो, इसमें कोई विकार नहीं है। और ये बहुत समझदार है, बहुत बड़ी लिखी है। अच्छा जब बेटी ज्यादा पढ़ जाती है तो रिश्ता नहीं मिलता, मुश्किल हो जाती है। अच्छा मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, कई लोगों को अच्छी लगी, कईयों को तो बहुत ही बुरी लगी। समाज में जब जब पुरुष पढ़ता था ज्यादा, जब जब पुरुष पढ़ा अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता था, लेकिन जब जब लड़कियां ज्यादा पढ़ने लगी, अनपढ़ को तो छोड़ो दो डिग्री नीचे उससे भी शादी करके राजी रही। जब से ज्यादा पढ़ गई बेचारे वो हरेक भरोसा जाएगी नहीं, क्योंकि स्त्री में नेचुरल एक अभिमान होता है। अच्छा मैं इतनी बड़ी लिखी हूँ, इतनी बड़ी लिखी, इतनी बड़ी लिखी। अरे पढ़ी लिखी है तो अच्छी बात है, पर वो डिग्री मिलाने के चक्कर में दिमाग नहीं मिलाते। मैं तो हर जगह निवेदन करता हूँ, डिग्री मिले ना मिले दिमाग मिलना चाहिए। विचार ना मिले डिग्रियों को सैंत लगा करके चाटो गए, बोलो हरे कृष्ण। तो जब जब स्त्रियां लड़कियां ज्यादा बढ़ गई, अब देख लो समाज में रिश्ते ही होने बंद हो गए। जितनी भी मैक्सिमम कुंडलियां आती है हमारे पास, इतनी कुंडलियां आती है उसमें से 100 कुंडलियां देखेंगे तो 98 कुंडलियों में एक ही दिक्कत है, शादी नहीं हो रही। मैं कहता ज्योतिषी बनना भी तो आसान ही हो गया, तू कई मार लो ब्याह नहीं हो रहा बेटे का। कहता हाँ जी, आपको कैसे पता, रोज ये तो देखते हैं रोज। बोलो हरे कृष्ण। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब जब लड़की ज्यादा पढ़ जाती है उसे रिश्ता नहीं मिलता, मिल जाए तो ढंग का नहीं मिलता। माता पिता भी कश्मकश में रहते हैं। महाराज अब आप मिल गए हैं, मेरी प्रार्थना है मेरी इस लड़की से आप विवाह कर लो। बोलो हरे कृष्ण। देखो अंत समय में किसे याद कर रहे हैं, भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अंतिम स्तुति कर रहे हैं भगवान की और कहने लगे कि जैसे आपने गोपियों के साथ महारास किया। नोट करना, शब्दों पर ध्यान देना, एक ब्रह्मचारी गोपियों को याद कर रहा है, किसको याद कर रहा है? अरे जैसे आपने गोपियों के साथ रास किया, गोपियों के साथ रहे, मुझे भी अपनी गोपी बना लो। बोलो हरे कृष्ण। इसका मतलब ये महाराज कुछ अलग ही है, समझने बात। अरे अंत समय में मरने वाला आदमी और 150 साल की जिसकी उम्र है, अपनी जिंदगी का, सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस निचोड़ निकाल के दे रहा है कि गोपियों की तरह मेरा मन कर दो। सुनाई था मैंने आपको शाम को कथा सुनाई थी ना, जो शाम को आए वो सुन ली उन्होंने कथा, दिन वाले रह गए। शाम को कथा सुनाई थी आपको कि भाई ये गोपी नारद जी को कहती है ऐसी दवाई दे दो कि मैं भगवान को भूल जाऊं। और हम आप लोग कैसी दवाई मांगते हैं कि याद आ जाए। और वृंदावन की गोपी क्या कहती है, भूलने की दवाई दे दो। अरे भूलते नहीं हर समय हम, एक वो गीत भी आया था तुझे भूलना तो चाहा लेकिन, आगे पता नहीं क्या है, लेकिन भुला ना पाए जितना भुलाना चाहा तुम, अरे बोल दो उतने याद आए। अरे कुछ गोपियों से सीख लो। अब ये भीष्म पितामह अंत समय में याद कर रहे हैं और एक बड़ी सुंदर बात सुनाई, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, तू ये मत समझना कि तेरी वजह से जीते हैं, हे भीमसेन, धोखे में मत रहना। क्या हुआ? अरे होना क्या है, तुम कहां जीते हो? ये कृष्ण जिसको नजर भर के देख लेते थे, कब गर्दन कट जाती थी इस बात का पता ही
नहीं जलता था। बोलो हरे कृष्ण। और मैंने भी कसम खाई थी कि दर्शन तो आपका जरूर करूंगा, इसलिए विरोधी बन गया दर्शन करने के चक्कर। पर कन्हैया तुम हो बड़े धोखेबाज, बड़े छलिया हो तुम। धोखेबाज? अरे मैंने क्या धोखा दिया? अरे याद है तुम्हें? बोलो हरे कृष्ण जोर से। अरे याद है तुम्हें जिस समय दुर्योधन कहने लगा तुम गद्दार हो, तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारे जैसा योद्धा हमारी तरफ से युद्ध लड़े और पांडव जिंदा बच जाए, तुम नहीं लड़ रहे हो ढंग से। भीष्म पितामह ने भगवान की कसम खा ली कि मैं एक पांडव को कल मार दूंगा। बोलो हरे कृष्ण। इधर भगवान जी ने कहा है मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, इधर भीष्म ने कहा है मैं मार दूंगा। अच्छा अर्जुन तो रात को घराटे मार के सो रहा है, भगवान ने कहा उठ रे। अर्जुन ने हाथ जोड़े मारा, मुझे पता है कि मैं कल मर जाऊंगा, दादा मुझे मार देंगे, तू फिर भी चैन से नहीं सो रहा है, घर में छोटा मोटा काम हो तब भी नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती है, अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे जिसके जिसको भगवान पर भरोसा है वो थोड़ी चिंता करते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, अपने तरफ से पूरा करेंगे। बोलो हरे कृष्ण। रात को टेंशन, नींद ना आए, अर्जुन तुझे नींद कैसे आ सकती है, तुझे चिंता नहीं है? अर्जुन ने हाथ जोड़े, जिनके लिए आप चिंता करते हो, आप जागते हो, उसे जागने की कोई जरूरत? अरे बोल दो, फिर भी आप लोग टेंशन करते हो, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा, जो चिंता करते हैं उन्हें भरोसा नहीं होता। बोलो हरे कृष्ण। भगवान जी ने कहा तो फिर सो गया, सारी जिम्मेवारी मेरे भी दे दी और तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान जी तुरंत वहां से निकले, द्रौपदी के कक्ष में गए, आवाज लगाई अरे द्रौपदी बाहर आ, द्रौपदी बाहर आए, हाँ कि चल मेरे साथ, कि चलो। रात को चले अंधेरे, भीष्म पितामह ने दुर्योधन की घरवाली भानुमती को बुलाया था कि तू आ जाना तुझे आशीर्वाद दूंगा। अब ये भानुमति चली गई सलाह लेने पड़ोसियों के पास, ससुर जी बुला रहे क्या करूं, पड़ोसों ने आपको पता ही सही कैसे होते लोग, दिमाग खराब है तेरा, पागल है तू, बदनामी हो जाएगी तेरी, सुबह जाइए जब सूरज निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सलाह लेकर घर बैठ गए। इधर भगवान जी आधी रात को द्रौपदी को ले आए। बोलो हरे कृष्ण। द्रौपदी को कहा अंदर चली जा और चुपचाप जाकर के घूंघट डाल ले और बैठ जा और चूड़ी की आवाज करना, दादा जब आशीर्वाद दे तभी घूंघट उठाना, ऐसे मत उठाना मैं बाहर बैठा हूं। और भगवान जी बाहर खड़े हो, जैसे ही अंदर गई भगवान जी ने सोचा कोई देख ना ले, इसलिए द्रौपदी के जूते उठाए, अपनी काली कमली में लपेट लिए, अपनी काख में दबा लिए। हाय हाय, देखो कैसी लीला कर रहा है। अरे पलक झपकते ही जो सृष्टि को बना सकते हैं, पलक झपकते ही जो हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश बना सकते हैं, वो परमात्मा कैसी लीला कर रहे हैं, द्रौपदी के जूते उठा लिए। भगवान कहते हैं तुम मेरे पर भरोसा करके तो देखो। आधी रात को द्रौपदी को कहा चल मेरे साथ, द्रौपदी ने ये नहीं कहा क्यों क्या कहा, चलो इतना भरोसा करती है मेरे पे, इसलिए इसके सुहाग को कभी मैं उजड़ने। अरे बोल, भगवान कहते हैं मैं विश्वास में ही तो हूं, आधी रात को एक बार भी नहीं कहा क्यों कहां किस लिए, ना ये शब्द ही नहीं है। जब चूड़ी की आवाज हुई, विषम पितामह सोचने लगे
दुर्योधन की घरवाली भानुमती आ गई, उसी को तो बुलाया था, और तो कोई जानता नहीं इस बात को। दोनों हाथ उठाए, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, क्या मेरा आशीर्वाद है तो सौभाग्यवती रहेगी। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया, क्यों झूठ बोलते हो, भीष्म पितामह आके तो पांव करी जैसे जमीन निकल गई, ये भगवान ये कहां से आ गई, महाराज दिल में कसम खाई है मार दूंगा, अभी कसम अभी कह रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव, कौन सा वचन सच होगा, दिन वाला या अभी वाला, कि भगवान भीष्म पितामह कहने लगे ये तेरी सोच नहीं है ना, जरूर तेरे साथ कोई आया है, बाहर जाकर देख द्योढ़ी का दृश्य निराला था, द्रौपदी के जूते संभाले खड़ा वो मुरली वाला, जब भागने लगे भगवान जूते गिरे, जब देखा भीष्म पितामह ने द्रौपदी का जूता, अरे वो ठग ठहर जा, मैंने पहचान लिया तुझे, नहीं तुझे ठगने को मैं बुद्धा ही रह गया था। भगवान ने कहा दादा क्या करता, आपने कसम खाई है मार दूंगा, और मैंने कसम खाई है मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, बताओ किसका वजन सच होगा, आपका या मेरा। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े, जिन भक्तों के तू जूते उठा लेता उनको मैं मार सकता हूं, असमसा मेरे जैसे करोड़ योद्धा भी आ जाए तो भी उन्हें मार नहीं सकते, पर क्या करूं, मैंने वचन दिया है, राजपूत की जबान है टूटेगी नहीं, युद्ध तो कल निर्णायक होगा, सावधान हे द्वारिकाधीश, देखूंगा कल आपने ताकत कितनी है, अर्जुन को कह देना बेटा संभल कर आना, कल तेरा गुरु दादा नहीं लड़ेगा, कल भीष्म योद्धा युद्ध करेगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो आया हूं, उपाय तो बता दो भाई, आपको ठिकाने कैसे लगाए, आपको कोई ठिकाने लगाना कोई आसान है। भीष्म पितामह के निवारे चलिए एक वचन दे कि क्या कि अंत समय में मेरे पास खड़ा होगा तो अपने मरने का राज बताऊंगा, हारने का राज, वरना मुझे हराने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, आप भी लड़के ले गए। भगवान ने कहा दादा मैं जानता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, आप ही बता दो। बोलो हरे कृष्ण। सुनो सिगंडी, उसने तपस्या की है मुझे मारने के लिए, उसे वरदान भी मिला है और वो हिजड़ा है, और मैं योद्धा हूं, राजपूत योद्धा, मैं कभी हिजड़े पर वार नहीं करता। अर्जुन को कहना अगर मुझे बाण लगाने हैं ना तो सामने हिजड़े को खड़ा करना, उसकी आड़ में बाण चलाना, तब मुझे बाण लगेगा, वरना अर्जुन के बस की बात नहीं कि उसका बाण मुझे छू भी जाए। बोलो हरे कृष्ण। दूसरे दिन भयंकर युद्ध होने लगा, इतना भयंकर युद्ध हुआ, अर्जुन का जो गांडीव धनुष था हाथ से छूट गया, भगवान जी को भी भीष्म पितामह के बाण लग गए, भगवान जी ने देखा अर्जुन बेहोश हो गया, भगवान जी रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया, हे भीष्म धरती कांपने लगी, ये भगवान इन्होंने तो अपना वचन तोड़ दिया, इन्होंने वचन दिया कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो पहिया मारने चल पड़े, धरती कांप गई, ये क्या अब तो मैं गई काम से, भगवान ही वचन तोड़ दे तो मेरा क्या होगा। भगवान जी ने हाथ लगाया चिंता मत कर, वो अपना ही चेला है, करूं क्या, एक तो बेहोश हो गए से बचाना भी तो है, शिखंडी पहुंचा नहीं,
शिकंडी कहीं पीछे ही फंस गया ना। अब क्या करे, जैसे ही पहिया उठाया भीष्म पितामह रथ से उतर गए, हाथ जोड़े थे, महाराज मारना मार दो, पर आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, मैंने आपकी तोड़वा दी। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कहो, अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो देखो सामने अर्जुन की शिखंडी खड़ी, भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने बाण चला। ध्यान से सुनना, आज भी कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है। भीष्म पितामह को प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मार करके गंगा को प्रकट किया है और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। जब भी सूर्य ग्रहण आता है तब मेला लगता है। बोलो हरे कृष्ण, सारी बोली जोर से कहो। भगवान जी सामने हैं, वचन दिया है। भीष्म पितामह कहने लगे, आज की सभा में ये अंतिम प्रार्थना करेंगे। बोलो हरे कृष्ण, ये प्रार्थना मेरे साथ कर ले। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम हो कर दिन रात गाऊं, निष्काम हो कर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद दामोदर माधवे की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा जग वासुदेवा, हे नाथ नारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते तन से प्राण निकल जाए। तो प्रेम से कह देना सभी ने, हरे 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 कृष्ण, बोले हरे कृष्ण सारे। आज भगवान जी द्वारिका पहुंचे, भगवान जी को पता लगा कि उस बच्चे का जन्म हुआ, भेंट देने आए। उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित, क्या नाम रखा परीक्षित। आज भगवान जी धरा धाम छोड़कर चले गए, पांडव स्वर्गारोहण कर गए और परीक्षित को राजा बना दिया। अभी ने राजा बना, थोड़ा राज करने दो। आज की सभा को यही विराम देते हैं, आए मिलजुल करके प्रार्थना करें, फिर आरती करेंगे। भोग आ गया हो तो ले आए, भोग लगा देते हैं भगवान जी को। सभी हाथ जोड़िए और कहिए, हे प्रभु हम सभी को भक्ति दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, जिससे हम